या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यांधकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदां शारदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीमद्भगवद्गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। सौ प्रथम श्लोक धृतराष्ट्रनो छे, अपने गई काले जोयू। संजय से पूछ रहा है धृतराष्ट्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र ऐसे कुरुक्षेत्र में युयुत्सव लड़ने की इच्छा से मामकाः पांडवाः मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, यही वृत्ति हमने कल देखा कि महाभारत की नींव है। जहां पर भी एक परिवार में, एक संस्था में, एक कॉरपोरेशन में मेरे और तेरे की भावना आ जाती है, जहां अपनापन होना चाहिए ऐसी जगह पे जहां परायापन आ जाता है, वहीं पर महाभारत होता है। हे संजय किम अकुर्वत,
क्या किया इन लोगों ने? संजय उत्तर देता है, दूसरा श्लोक। संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय कहता है, तदा उस समय उस वक्त, क्यों कहा ये शब्द संजय ने? तदा दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढ़म् दुर्योधनस्तदा। शुरुआत संजय ने की तदा, देन। कल हमने इस बात पर थोड़ा सा संदर्भ लिया था कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में फ्लैशबैक के रूप में है। जो घटना 10 दिन पहले हुई है उसका वर्णन संजय आज कर रहा है धृतराष्ट्र के सम्मुख। ये भीष्म गिरे, ये बात जब संजय ने बताई तो धृतराष्ट्र को चिंता हो गई, कैसे हुआ ये, बता संजय क्या बात है पूरी। तो संजय वर्णन करता है, तदा उस समय, अर्थ 10 दिन पहले ये घटना हुई थी। तदा तब तू पांडवानीकम, पांडव अनीकम पांडवों की सेना को व्यूढ़म दृष्ट्वा, पांडवों की सेना को व्यूह में लगी हुई व्यवस्थित, दृष्ट्वा देखकर राजा दुर्योधन। मजे की बात है, यहां दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया गया है और संजय तो वही कहेगा, इस पर चिंतन करते हैं। तो राजा दुर्योधन आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर इदम वचनम अब्रवीत, यह वचन बोला। एक एक शब्द महत्व का है इसमें। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवद गीता का पहला अध्याय क्या महत्व का होगा, इसलिए बहुतर भाष्यकारों ने भगवद गीता के पहले अध्याय पर भाष्य भी नहीं किया। मेजोरिटी ऑफ द कॉमेंट्रीज ऑफ भगवद गीता बिगिन फ्रॉम द 11th वर्स ऑफ द 2nd चैप्टर, जब भगवान का उपदेश शुरू होता है। अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का सबसे पहला श्लोक ये है, उपदेश के रूप में, जो तत्वज्ञान के रूप में शुरू हुआ है वो। तो बड़े बड़े भाष्यकारों की कमेंट्री वहां से शुरू होती। कुछ लोग कहते हैं पहले अध्याय में क्या है, कहानियां हैं, जस्ट बैकग्राउंड। अरे बैकग्राउंड पता नहीं होगा तो वो तत्वज्ञान कैसे पता चलेगा? नीम ही यदि कच्ची रह गई, किस लिए ये सब कहा जा रहा है? अशोच्यानन वशोचस्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, शोक न करने जैसी चीजों का तू शोक कर रहा है अर्जुन। अब वहां से सीधा शुरू करो, कोई भी पूछेगा क्या है शोक करने वाली चीज, क्यों कर रहा है? तो पहला अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम्। पहले अध्याय में आप पुस्तक आपके हाथ में है,
यदि घर पे रख के नहीं आए होंगे तो। पहले अध्याय में दृष्टवा शब्द 3 बार आता है, पहला ये दूसरे श्लोक में आया, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा। दूसरी बार दृष्ट्वा शब्द 20वें श्लोक में आता है, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। और तीसरी बार दृष्ट्वा शब्द 28वें श्लोक में आता है, पहले अध्याय के, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशुष्यति। पहले अध्याय में टोटल 47 श्लोक हैं, उनमें से 3 बार दृष्ट्वा शब्द आता है और तीनों दृष्ट्वा महत्वपूर्ण है। ये पहली बार जो दृष्ट्वा शब्द आया दूसरे श्लोक में दुर्योधन के लिए है, दृष्ट्वा तो पांडवानीकम, पांडव सैन्य को दृष्ट्वा देखकर, दृष्ट्वा शब्द का अर्थ है देखकर, गुजराती में आप कहें जोई ने। दूसरी बार आया अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, 20वें श्लोक में। दूसरे श्लोक में दुर्योधन पांडव सैन्य को देख रहा है, 20वें श्लोक में अर्जुन कौरवों को देख रहा है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज, कपिध्वज अर्जुन शब्द आएगा तब समझाएंगे कुछ अच्छी बातों के साथ। तो अर्जुन धार्तराष्ट्रान व्यवस्थितान दृष्ट्वा, कौरवों को व्यवस्थित खड़े हुए देखकर। और तीसरी बार दृष्ट्वा आया 28वें श्लोक में, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, हे कृष्ण इमं स्वजनम युयुत्सुम समुपस्थितम दृष्ट्वा। वहां पर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है, प्रभु ये तो मैं अपने स्वजनों को देख रहा हूं। पहली 2 बार दृष्ट्वा आया है, परस्पर सैन्यों का निरीक्षण किया तब, और तीसरी बार जो दृष्ट्वा आया वो दोनों सैन्यों के बीच में जाकर के अर्जुन ने रथ अपना खड़ा करवाया भगवान श्री कृष्ण के पास, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे इच्युत, 21वां श्लोक, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ जाकर खड़ा कीजिए, और भगवान वहां ले गए। तब अर्जुन ने जो दोनों ओर देखा, अरे ये तो सब मेरे स्वजन हैं, किसी भी पक्ष का व्यक्ति मरे अल्टीमेटली तो वो मेरा ही आदमी है, मेरा ही स्वजन है, मेरे ही चाचा मामा भतीजे गुरु बड़ील बुजुर्ग यही है वैसे। तो स्वजन, ये 3 दृष्ट्वा देख के अभी हमें कुछ दर्शन करना है। पहली बार का दृष्ट्वा दुर्योधन अपने पक्ष में खड़ा रह करके पांडवों की सेना को देखता है तो युद्ध की शुरुआत कर। दूसरा दृष्ट्वा 20वें श्लोक में अर्जुन अपने पक्ष में खड़े रह करके कौरवों की सेना को देखता है तो धनुरुद्यम्य पांडव, वो भी धनुष्य उठाता है लड़ने के लिए, मैं भी कोई कम नहीं हूं। लेकिन तीसरा दृष्ट्वा महत्वपूर्ण है, दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर खड़ा रहा और तब दृष्ट्वा किया तब स्वजन दिखाई पड़ा। एक बहुत बड़ा संदेश हम सभी के लिए यहां पर, जब एक पक्ष में रह करके हम दूसरे पक्ष को देखते हैं तो हमेशा हमें युद्ध में उतरना पड़ता है, चाहे वो वाक युद्ध हो, चाहे वो भावनाओं का युद्ध हो, चाहे वो शस्त्र का युद्ध हो,
एक पक्ष में रह करके केवल दूसरे को देखेंगे, तू ऐसा है, वो लोग ऐसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, तब हमेशा युद्ध करोगे आप। चाहे आपके पक्ष में रह करके आप उनको देखो और वो उनके पक्ष में रह करके आपको देखे, एक पक्ष को पकड़कर दूसरे पक्ष को देखते हो संघर्ष होता है, लेकिन जब मध्य में आकर के 360 डिग्रीज का देखते हो तब युद्ध का सवाल पैदा नहीं होता, तब संवेदना जागृत होती है। दृष्ट्वे मम स्वजनम, परिस्थिति में से संघर्ष को यदि मिटाना चाहते हो प्यारे भाई और बहनों, एक बात याद रखना, कोई भी एक पक्ष को पकड़ के हमेशा देखते मत रहना, बीच में आकर के 360 डिग्रीज। और मुझे तो ज्यादा पसंद है शब्द, मैं अपने लिए कई बार कहता हूं, आई डोंट जस्ट लुक एट 360 डिग्रीज, आई ट्राई टू लुक एट 361 डिग्रीज, जो कॉन्सेप्चुअल है। ज्योमेट्री तो 360 डिग्री पे पूरी हो जाती, लेकिन उसके भी बियॉन्ड जाकर के जो देखने की कोशिश करे वही व्यक्ति संवेदनावान हो सकता है, वही व्यक्ति संपूर्ण दृष्टि रख सकता है और संघर्ष को मिटा सकता है, शांति पा सकता है। दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण, अर्जुन कहता है। दूसरे श्लोक पर वापस आइए, अब संजय कह रहा है, अब जिनको फैक्ट्स एंड फिगर्स का शौक हो, नंबर्स का शौक हो, उनके लिए बता दूं, श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं, नाम कल मूल मैं बोल गया था, आपको याद है, पूछूं अब कौन सा अध्याय, अठारह अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों का विभाजन भी इस तरह है, धृतराष्ट्र केवल एक श्लोक बोला है जो हमने कल देख लिया, पहला श्लोक, ये पछि धृतराष्ट्र नहीं बोलती बंद थे गई, उसे बोलने जैसा कुछ लगा ही नहीं। दूसरे नंबर पर संजय आता है, श्रीमद् भगवद गीता में संजय कुल 41 श्लोक बोला है, उसमें विशेष जो श्लोक पूरा, वेल संजय तो वर्णन ही कर रहा है, तो संजय 41 श्लोक बोल रहा है, अर्जुन 84 श्लोक बोला है, 84, और बाकी बचे उतने श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। कैलकुलेशन कर लो, 700 -1 -41 -84 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण बोले हैं। यह भी कैसे हुआ, वैशंपायन जन्मे जय को जय संहिता सुना रहे हैं, पूरा महाभारती फ्लैशबैक, पांडवों का पुत्र परीक्षित, थोड़े इतिहास को स्पष्ट कर दो, परीक्षित को तक्षक नाग सर्पदंश हुआ, भागवत की कथा आपने सुनी है, परीक्षित ने जन्मेजय को राज्य सौंपा और परीक्षित को मुक्ति मिल गई, शुकदेव जी के पास से उन्होंने भागवत कथा सुनी गंगा जी के तट पर, जन्मेजय का राज्य हुआ। अब बात ऐसी है कि जन्मेजय को पुरखों के बारे में अधिक पता नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में यह जिम्मेदारी उसके ऊपर आ पड़ी और वो जानना चाहता है कि मैं कौन सी गौरवंती परंपरा का प्रतिनिधि हूं, मेरा परिवार क्या है, वो जानना चाहता है। वैशंपायन जी को बुलाया है उन्होंने, और वैशंपायन जन्मेजय को अपने पुरखों की बात बता रहे हैं। मैं जब छोटा था दादी माँ के पास रहता था मेरे गांव में सुंडिया में, तो 2 साल में रहा, फिर तो वैकेशन में जाता, उस समय मुझे याद है कीर्तनकार हुआ करते थे,
माणभट्ट हुआ करते थे, वेरी फोक फॉर्म, और वो गा गा के महाभारत की कथा सुनाते, महीने महीने भर तक चलती महाभारत की कथा। वैशंपायन एणी पेरे बोलिया सुन जन में जय राय, वैशंपायन एणी पेरे बोलिया सुन जन में जय राय। अब आगल नहीं आवड़तू, આવો ટુન અમારો દિનેશ લઈ આવ્યો છે, એટલા વર્ષે મેં આ ઠેકો સાંભળ્યો, ઠેકો જ કહેવાય ને આને, શું કહેવાય, એટલા વર્ષે સાંભળ્યો, હમણાં અંબરનાથની કથામાં યાદ આવીને મેં જેવું કહ્યું એ ચાલુ થઈ ગયું, હું તો આ જ આવું જ હતું, ચંપાયણ એની પેરે બોલ્યા સુરજન મે જય રાય, ભૈશંપા શોધવું પડશે આ ક્યાં છે, લલિત કુમાર શોધી કાઢો ક્યાંથી, એવો રચના કઈ, ક્યુકી અપ્રાપ્ય પુસ્તક હોંગે કહી કિસી કે ઘર મેં પુરાને ગ્રંથ પડે હોંગે તો મિલેગા યે મહાભારત, ગુજરાતીમાં રાજીવભાઈ, અને શરૂઆત આવી થતી, જેમ ભાગવતની કથા હોય તો શુકદેવજી વર્ણન કરે છે રાજન, એવી રીતે આમાં વૈશંપાયણ એણી પેરે બોલ્યા સુણજન મે જય રાય, વૈશંપાયન જન્મે જય કો જો બાત બતા રહે હૈં, ઉસ કથા મે બાત આતી હૈ કે સંજય ધૃતરાષ્ટ્ર કો બતા રહે, ટ્રાય ટુ બી વિથ મી, महाभारत का स्ट्रक्चर समझने के लिए, वैशंपायन जन्मेजय को बता रहे हैं कि संजय धृतराष्ट्र को यह बता रहा है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं, ऐसी भगवत गीता है। तो अपने पास जो आती है वो तो थर्ड टायर आता है, या तो जो पहला भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वो उपदेश संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया, वो उपदेश महर्षि व्यास ने शब्दस्थ किया, और वह उपदेश वैशंपायन ने जन्मेजय को सुनाया जो हमारे पास आता, ये महाभारत। और फिर बीते हुए बरसों में कई संत महापुरुष आचार्य विद्वान अपनी अपनी तरह से दिव्य विचारों का प्रवर्तन करते रहे। संजय कौन था? संजय गवलगण नाम के सूत का पुत्र था, उसका जन्म गवलगण नाम के सूत के वहां हुआ था, और वह मुनियों के समान ज्ञानी था, धर्मात्मा था संजय। संजयो मुनिकल्पस्तु जग्ने सूतो गवलगणात्। महाभारत के आदि पर्व में 63वें अध्याय के 97वें श्लोक में यह बात है। ये संजय भगवान वेदव्यास ने उसे दिव्य दृष्टि दी थी, दूर श्रवण और दूरदर्शन, क्लेयर ऑडियंस क्लेयर वॉयंस, ये शक्ति थी कि वो दूर बैठा हुआ देख सकता था क्या हो रहा है, सुन सकता था क्या कहा जा रहा है। ऑब्वियसली धृतराष्ट्र जो जन्म से अंध था, ऐसे व्यक्ति के लिए संजय जैसा कोई मिल जाए तो बहुत बड़ी एसेट बन जाए। वो आज नहीं होता, 50 के ऊपर के जो लोग होते हैं, 60 के ऊपर के हैं, कंप्यूटर नहीं आता उनको, और विकास हो गया है, कंपनी बहुत बड़ी हो गई, कंप्यूटर के बिना चलेगा नहीं, तो उनका पीए जो हो, पर्सनल सेक्रेटरी, कंप्यूटर को जानने वाला हो, ईमेल करने वाला हो, जो आता है वो सुना देता है ऐसे ही, अच्छा अच्छा, तो उसको कहते हैं तू साथ में रहे हमेशा, मेरी जो कमी है वो तू पूरी करता है। धृतराष्ट्र जैसे सम्राट के लिए संजय जैसा व्यक्ति कोई मिल जाए जो धृतराष्ट्र देख भी नहीं सकता था, वो तो हमेशा उसके पास में रखेगा। धृतराष्ट्र ने संजय को हमेशा पास में रखा था।
महाभारत का दृश्य सुनाने के लिए। संजय यहां कह रहा है कि व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा, प्रथम दिन में जो पांडव सैन्य लगाया हुआ था उसको देखकर पहले दिन सेनापति दृष्टद्युम्न, पांडवों की सेना के सेनापति दृष्टद्युम्न रहे पूरे 18 दिन, बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कौरवों के कई सेनापति बदल गए, पहले 9 दिन तक भीष्म थे, 10वें दिन पर भीष्म गिरे तब कर्ण आया, कर्ण की मृत्यु हुई तब शल्य आया, तो कई सेनापति बदले। पांडवों का 18, महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला। ये 18 की संख्या भी बड़ी प्यारी महाभारत में खास। जैसे मैंने कहा भगवत गीता के अध्याय 18, महाभारत के पर्व 18, महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। और कुरुक्षेत्र की भूमि पर कुल सेना जो थी उसका नंबर भी था 18 अक्षयणी, 11 अक्षयणी कौरवों की और 7 अक्षयणी पांडवों की। 18 महाभारत में 18 अंक इंटरेस्टिंग है जरा। तो पहले दिन दृष्टद्युम्न ने पांडव सैन्य को वज्र नाम के व्यूह में लगाया था और जिसकी मुख्य स्थिति में भीम था। यह देखकर दुर्योधन आचार्यमुपसंगम्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। क्यों गया? पहली बात है दुर्योधन थोड़ा डरा हुआ है, युद्ध की शुरुआत में दुर्योधन की दशा परीक्षा देने के लिए जाने वाले विद्यार्थी के समान, एम्बिशियस स्टूडेंट है, एग्जाम के लिए जा रहा है, पढ़ा है बहुत लेकिन परीक्षा में लिख पाएंगे या नहीं, जो आता है उन्हीं में से प्रश्न आएंगे या कुछ विचित्र प्रश्न आएगा, क्या होगा? पढ़ाई की है, दुर्योधन ने तैयारी की है, फिर भी उसको थोड़ा टेंशन है, डर गया है। डरने का पहला कारण यह है उसने सामने भीम को देखा। दुर्योधन हमेशा से भीम को अपना प्रतिस्पर्धी मान रहा है। आचार्य के पास गए, राजा वचनम अब्रवीत, यहां दुर्योधन के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया बताने के लिए। देखिए व्यास जी कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हैं, आचार्यम उपसंगम्य, गुरु के पास गया है तो आचार्य लिखा, तो यहां पर शिष्य दुर्योधनम अब्रवीत ऐसा कहना चाहिए ना, नहीं, राजा। वो शिष्य भाव से नहीं गया है द्रोणाचार्य के पास, वो राजा के पास, राजा बन के गया है। और यही दुर्योधन का कैरेक्टर बताता है। वस्तुतः गुरु के पास वैभव का प्रदर्शन करने के लिए नहीं जाते, गुरु के पास जीवन का दर्शन पाने के लिए जाया जाता है। यह हमारी भारतीय परंपरा है। याद कीजिए कालिदास, शाकुंतल, राजा दुष्यंत जब जंगल में से गुजर रहा है, वो तो निकला है शिकार करने के लिए, लेकिन मार्ग में उससे पता चलता है कि यह कण्व ऋषि का आश्रम है, चलो ऋषि के दर्शन करते चलो। रथ को रुकाया, रथ में से नीचे उतरा दुष्यंत, मुकुट जो राज सत्ता का प्रतीक है, मुकुट को उतार कर रथ में रखा और फिर वो अंदर गया।
एक ऋषि के दर्शन के लिए भी जब राजा जाता है तो इतनी नम्रता के साथ जाता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति, ये हमारी परंपरा। और यहां पर दुर्योधन अपने गुरु के पास जा रहा है। द्रोण वॉज नॉट जस्ट अनदर लर्नेड ब्राह्मिन फॉर दुर्योधन, द्रोण ने दुर्योधन को शिक्षा प्रदान की है। दुर्योधन के पास तो कितनी नम्रता होनी चाहिए, लेकिन यहां पर दुर्योधन राजा बन के गया है। ये दुर्योधन का स्वभाव है, अहंकारी है दुर्योधन, वो हमेशा श्रेष्ठ बना रहना चाहता है। दुर्योधन मानता है, ये अंग्रेजी में बहुत अच्छा कहते हैं ऐसे लोगों के लिए, इट इज बेटर टू रूल इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। स्वर्ग में जाकर सेवा करो, उससे तो बेहतर है नरक में जाऊं लेकिन राजा बनूं। दुर्योधन की ये वृत्ति। राजा बन के गया दुर्योधन, ये भूल गया कि गुरु के सन्मुख उन्मत्तता शोभा नहीं देती, वहां तो विनय ही शोभा देता है। दुर्योधन को राजा कहने के कारण महाभारत की दृष्टि से यदि देखें, पहली बात परंपरा की दृष्टि से देखा जाए तो दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा भाई है, युवराज है वो, और संजय धृतराष्ट्र का मंत्री है। ऑब्वियसली वो तो अपने बॉस को अच्छा लगे वही बोलेगा। राजा वचनम अब्रवीत। दूसरा कारण, धृतराष्ट्र को भी सबसे अधिक लगाव, अपनापन, मोह दुर्योधन से था। तीसरा कारण, धृतराष्ट्र फिगर हेड था क्योंकि पांडु ने उसे राज्य सौंपा है, लेकिन फॉर ऑल मटेरियल पर्पस राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण निर्णय दुर्योधन ही लेता था, और वो भी अपनी मर्जी के हिसाब से। तो डिफेक्टो राजा दुर्योधन था। और चौथा कारण, ये परिस्थिति में जो हम खड़े हैं भगवद गीता के पहले अध्याय में, महाभारत के रण मैदान पर, वो परिस्थिति निर्माण करने वाला दुर्योधन था, उसकी जिद थी। प्रसंग बहुत परिचित है, आप जानते हो। बारह वर्ष का वनवास और 13 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हुआ, विराट नगर में पांडव प्रकट हो गए कि चलो शर्त पूरी हो गई, छुपे रहना था 1 साल, हम छुपे भी रह लिए, अब राज्य लाओ। दुर्योधन ने कहा नहीं मिलेगा राज्य। धृतराष्ट्र ने एक दाव खेला, संजय को भेजा है विष्टि करने के लिए। कृष्ण विष्टि के बारे में बहुत लोग जानते हैं, संजय विष्टि के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। धृतराष्ट्र ने संजय को भेजा है, पढ़ोरे पोपट राजा धृतराष्ट्र ना, इतनी बड़ी फिलॉसफी है। आप महाभारत में वो पढ़ोगे संजय की विष्टि, आपको लगेगा हाँ धृतराष्ट्र कितना धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए, कितना परोपकारी होना चाहिए। संजय ने आकर के विराट राजा की सभा में पांडवों को ये सब कहा कि अरे पांडव आप तो धर्मिष्ठ हो, युद्ध करना आपको शोभा देता है, भाइयों भाइयों में युद्ध करना ही अच्छी बात नहीं होती, इससे तो परिवार का नुकसान होगा। ये प्रथम अध्याय के अंत में हम देखेंगे, अर्जुन जो सब बातें परिणाम बताता है ना, वो सारी संजय विष्टि में धृतराष्ट्र ने बता दी। अर्जुन इज जस्ट रिपीटिंग दोस थिंग्स। आप तो धार्मिक हो, आपको तो अच्छे काम करने चाहिए, बहुत गई थोड़ी रही, अब क्यों चिंता करते हो ऐसे, राजपाट ना कावा दावा अपने शोभे नहीं, अब तो यात्रा करने निकलो, यज्ञ याग आदि करो, जीवन का कल्याण करो, आत्मा की उन्नति करो, पैसे की चिंता मत करना, जितनी संपत्ति चाहिए चाचा धृतराष्ट्र बैठे हैं हस्तिनापुर में, बस केवल मांग लो मिल जाएगा, जीवन को धन्य करो तुम। और पांडवों को ये बात बहुत अच्छी लगी थी, चाचा को कितना प्रेम है हमारे लिए, हमारी आत्मा की उन्नति हो, हमारे शरीर का कल्याण हो, इसलिए चाचा कितना सोचते हैं। और पांडव यही करते यदि वहां पर श्री कृष्ण न होते।
पांडवों के और हम सभी के सौभाग्य से उस सभा में श्री कृष्ण उपस्थित थे, खड़े हुए और उन्होंने कहा, संजय बातें तो बहुत अच्छी लाए हो, बट चैरिटी बिगिंस एट होम। जहां से ये बातें आई हैं वहीं से इसका आचरण शुरू हो, ऐसा कुछ करो। जाओ जाकर कहो धृतराष्ट्र से और दुर्योधन से कि पांडवों ने तो बहुत यज्ञ यागादि कर लिए, 12 वर्ष से तपश्चर्या ही कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा ही कर रहे हैं वे लोग, अब तुम निकलो। बाप बेटे तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ यागादि करो, अपने जीवन का कल्याण करो, आत्मा की उन्नति करो, संपत्ति जितनी चाहिए पांडव भेज देंगे, साक्षी मेरी। और कृष्ण ने वहां पर अनाउंस किया, संजय जाओ जाकर धृतराष्ट्र से कहो मैं विष्टि के लिए आ रहा हूं। विष्टि के लिए जो जाते हैं वो दूत कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, एम्बेसडर। और दूत की नियुक्ति की जाती है, कोई अपॉइंट करेगा कि आप जाकर के वहां मेरी बात करो। भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि के पहले एंड ओनली, द फर्स्ट एंड ओनली सेल्फ अपॉइंटेड एम्बेसडर है। न उन्होंने पांडवों से पूछा, न किसी से, कह दिया जाओ धृतराष्ट्र से कहो मैं आ रहा हूं। और भगवान श्री कृष्ण जब आए विष्टि के लिए, भागवत की कथा में यह प्रसंग का वर्णन मैंने किया है कई बार, यहां पर नहीं करूंगा। दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने मिलकर जो प्लान बनाया था कि कृष्ण किसी से मिल ही ना पाए, ना कुछ बोल पाए, मीठी छुरी से उनको मारने की योजना बना दो, भव्य स्वागत करो, 7 दिन तक इनके यहां ब्रेकफास्ट, इनके यहां लंच, उनके वहां डिनर, अंजलसा करा इन कृष्ण ने मुक लिया। श्री कृष्ण कहते हैं मैं यहां ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए नहीं आया, दुशासन के महल में निवास की व्यवस्था की थी श्री कृष्ण वहां न रुके, भव्य भोजन समारंभों में न भोजन किया प्रभु ने, और सभा में तार्किक विश्लेषण करते हुए, दुर्योधन पूरा साम्राज्य पांडवों का है, दे देना चाहिए तुझे। दुर्योधन ने कहा नहीं दूंगा, ठीक आधा आधा कर लो, राज्य का आधा हिस्सा तुम रखो, आधा दे दो पांडवों को, क्योंकि कृष्ण चाहते थे युद्ध ना हो, और सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडिता, यह न्याय है, जब पूरा का पूरा जा रहा हो तो उससे बेहतर है कि आधा दे दो और आधा तो संभाल लो। श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन आधा राज्य तुम रख लो, आधा दे दो वापस पांडवों को। दुर्योधन ने कहा वह भी नहीं दूंगा, आधा भी नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने तीसरी योजना बताई। अब यहां तो मैं फटफट एक एक वाक्य में बोलते जाता हूं, वहां कितना नेगोशिएशन होता होगा। पड़ोसी के साथ एक छोटे से प्रदेश के लिए 60 साल से चल रहा है ना, हमारा है उनका है, हमारा है उनका है। तो कृष्ण ने कितने नेगोशिएशन किए, ये तो मैं केवल बुलेट पॉइंट्स में बताता हूं, क्या क्या टर्म्स कृष्ण ने ऑफर की वहां पर। तीसरी पैक्ट, शिमला पैक्ट, उधर का पैक्ट, उधर का पैक्ट, ये होते हैं ना, वो तीसरा ऑप्शन कृष्ण ने दिया। इंद्रप्रस्थ और जो प्रदेश तुमने अनीति से शकुनी के साथ जो जुआ खेलते हुए पांडवों से छीन लिए थे द्यूत सभा में, उतना लौटा दो उनको वापस, जो तो पांडवों ने अपने सामर्थ्य से बताया, ये तो बपौती मिलकत नहीं, इट्स नॉट अ पैटर्नल वेल्थ। पैतृक संपत्ति जो कुरुवंश की गद्दी थी वो तो हस्तिनापुर थी, तुमने तो वीरान जमीन दी थी, जंगल दिए थे, उसमें पांडवों ने अपने पुरुषार्थ से इंद्रप्रस्थ बनाया था, वो तो उनकी अपना क्रिएशन है, वो दे दो वापस, और वो तो बहुत पुरानी बात नहीं है, 13 साल पुरानी बात है। जुआ खेलते हुए तुमने अनीति से उनके पास से ले लिया था, लौटा दो चलो। दुर्योधन ने कहा वो भी नहीं दूंगा,
पांडवों ना बाप नु ये मारा बाप नु ये नाम। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने शर्त रखी, 5 गांव दे दो दुर्योधन। ये शर्त में कुछ लोग कहते हैं आहु केवाय, यदि दुर्योधन मान जाता तो कृष्ण को पता था ये मानने वाला नहीं है, इसलिए ये रखी। इसलिए सारे युद्ध की जो जिम्मेदारी है, ओनस ऑफ दिस वॉर इज ऑन द दुर्योधन। पता था, अब उसके स्वभाव को जान गए, नहीं तो कोई भी रीजनेबल आदमी होता वो वहां तीसरी शर्त तो मान लेता ना। अब अपनी सोचो ना, दुर्योधन की जगह आपने बे ही गया, हलो शू करिए, तीजी बात तो मान ही लिए ना कि जो पांडवों ने अपनी शर्त से बताया वो तो दे दो उनको। वो भी जब नहीं माना, कृष्ण ने चौथी शर्त रखी। अब पॉलिटिकल दृष्टि से सोचना इसको, क्या विचक्षण बुद्धिमत्ता होगी कृष्ण की। और दुर्योधन के स्वभाव को उन्होंने पहचान लिया, इस बात पर कितना आत्मविश्वास होगा कि ये ना ही कहने वाला है। मैं जब ग्रंथों का अध्ययन करता हूं, परिशीलन करता हूं, तो मुझे इसके सामने पैरेलल यदि कोई प्रसंग रामायण में मिलता हो, मैं कई बार कथाओं में भी महाभारत और रामायण की तुलना करते रहता हूं, महाभारत के ये प्रसंग के सामने रामायण का कोई प्रसंग यदि मुझे रखना हो, तो रावण की सभा में लंका में वाली पुत्र अंगद जो गया है युद्ध से अगले दिन संधि करने के लिए, वो प्रसंग आता है। भगवान राम ने कहा काज हमार तासु हित हो ही, अपना भी काम हो रावण का भी कल्याण हो, जाओ। अभी भी यदि वो सीता को लौटाता है तो हमें युद्ध नहीं करना, सीता को लेकर हम चले जाएंगे वापस। और अंगद जो गया है रावण की सभा में, वहां पर पूरी चर्चा नहीं करता मैं रावण रामायण के भी, लेकिन जिनको रामायण का अभ्यास है उनको पता होगा, एक रावण के साथ संवाद करते 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 बात उस स्थिति पर आ गई जहां पर अंगद ने कहा ये मेरा पांव मैं रखता हूं, हिला के दिखाओ तो सीता को मैं हारा। कितलो मोटो जुगार, दूत बन के गया है ये आदमी और अपना पैर रख के कहता है रावण तुम, तुम्हारे सभी सेनापति ये जो भी है, इतनी शक्ति का गरूर है तुम्हें, गुमान है, अहंकार है, मेरे पैर को हिला के दिखाओ। और स्पष्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं अंगद कहता है मैं सीता को हारा। आए एक एक सेनापति आकर के अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश करने लगे, न कोई हिला पाया। अंत में रावण खुद आया है, अंगद का पैर पकड़ के हिलाने की कोशिश करता है। तब अंगद कहता है अरे मूर्ख, मेरे पैर क्या पकड़ता है, भगवान राम के पैर पकड़, तेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। यह अलग बात थी कि रावण हिला नहीं पाया, लेकिन कितना मोटा, कितना बड़ा गैम्बल ये। बस यही दाव यहां पर कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं 5 गांव दे दे, चला जाऊंगा मैं यहां से विथ गारंटी, तुझे दे दूंगा, युद्ध नहीं होगा। नहीं माना दुर्योधन। और बड़ा प्रसिद्ध श्लोक महाभारत का, यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्येद अग्रेण केशव तावदप्य परित्याज्यं भूमेर्नः पांडवान् प्रति। महाभारत के उद्योग पर्व का 127वां अध्याय 25वां श्लोक, दुर्योधन कहता है यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विद्येद अग्रेण केशव, हे केशव सुई की नोक जहां से हम सबको विद्ध करते हैं जब सब जगह पे, ऐसे तावत अप्य परित्याज्यम भूमेर न पांडवान प्रति, तावत अपि भूमि
इतनी जमीन भी पांडवान प्रति न परित्याज्यम, पांडवों के लिए नहीं छोड़ूंगा मैं। सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न केशव। दुर्योधन कहता है केशव, बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। अब जरा बताइए युद्ध किसको चाहिए था? कृष्ण को, दुर्योधन को चाहिए था। इसलिए संजय यहां पर भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में दुर्योधन को राजा कह के, क्योंकि ये महाभारत की परिस्थिति, उसको राजा बनना था दुर्योधन को, उस वजह से, उसकी जिद की वजह से हुई है। वचनम अब्रवीत राजा, हम एक एक शब्द भगवद गीता का ले रहे हैं। वचनम अब्रवीत, वचनम अब्रवीत। अब संस्कृत भाषा या संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से देखो तो ये दोनों शब्दों की जरूरत है ही नहीं। वचनम अब्रवीत, दोनों की नहीं, केवल अब्रवीत कह दो तो उसमें वचन आ गया। दुर्योधन ने ये वचन कहे, ये वचन शब्द की जरूरत नहीं। दुर्योधन ने ये कहा, जो कहा अब्रवीत में वचन आ गया कि नहीं? दुर्योधन बोला तो वचन ही बोलेगा ना, और क्या बोलेगा वो। लेकिन व्यास जी लिखते हैं, और व्यास महर्षि जैसे जब लिखे ना, एक शब्द भी अन्यथा नहीं होता, एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता। क्यों कहा वचनम? इसलिए कहा कि दुर्योधन बहुत मैन्युपुलेटिवली बोलने जा रहा है, अपना कोई उल्लू सीधा करना है उसको, इसलिए बोलने जा रहा है, कुटिलता पूर्वक बोलने जा रहा है दुर्योधन। इसलिए वचनम अब्रवीत। क्या हेतु था दुर्योधन का? उसका हेतु यह था कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष निर्माण हो जाए, राग यदि उनके प्रति प्रेम हो तो वो निर्मूल हो जाए, और द्रोणाचार्य स्नेह रहित होकर के युद्ध करें। इसलिए वचनम अब्रवीत। दृष्टांत के लिए मैं कहूं, दो शब्द दो वाक्य सुनना, तुलना आप स्वयं कर पाओगे। छगन ने मगन से कहा, हो गई, छगन ने मगन से कहा, ठीक है, कहा होगा, सामान्य बातचीत होगी कुछ। लेकिन छगन ने मगन से ये वाक्य कहा, ये वचन कहा, दैट मीन्स देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट। It is not a general statement. पेला ये तमारा विषय काई किधू, काई किधू, पेलो तमारा विषय आवा शब्द बोल्यो, एम जो ये शब्द आ गए, ये वचन आया, ऐसे वाक्य कहा उसने, तूने ये वाक्य क्यों कहा? वाक्य कहा तो कहने में कुछ जोर आ गया, कुछ विशेष आ गया। तो यहां पर अब्रवीत में वचन तो था ही, लेकिन फिर भी वचन कहने पर व्यास महर्षि कहते हैं राजा वचनम अब, अंग्रेजी में जिसको कहें लोडेड स्टेटमेंट आ रहे हैं उसके, कुछ भरा हुआ है अंदर। क्या भरा हुआ है? तीसरा श्लोक, आचार्य महतीं च मूं, आचार्य महतीं च मूं, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण, व्यूढां द्रुपदपुत्रेण, तव शिष्येण धीमता, तव शिष्येण धीमता, अपने गुरु
द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन कहता है, पश्य, देखिए, क्या देखें, एतां पांडुपुत्राणां महतीं चमुं पश्य। संबोधन करता है आचार्य, हे आचार्य, एतां पांडुपुत्राणां महतीं चमुं पश्य, पांडुपुत्रों की ये बड़ी सेना को देखिए। बड़ी सेना क्यों कहता है? दुर्योधन तो जानता है बड़ी सेना तो उसकी है, उसके पास 11 अक्षेणी है, पांडवों के पास 7 अक्षेणी है, तो बड़ी सेना किसकी हुई? महतीं चमुं, दुर्योधन कह रहा है, ये ऐसे जो शब्द है ना, वही दुर्योधन के भय को प्रकट करते हैं। ये दुर्योधन का दूसरा स्वभाव ईर्ष्या। और याद रहना, रखना हमेशा, जहां ईर्ष्या होती है वहां भय आता ही है, जहां जेलसी होगी वहां डर आएगा ही। और जेलसी का स्वभाव क्या है? पारके भाणे लाडू, बोलो ना, जे वो देखा है जे वो बोलो। तो अपनी 11 अक्षेणी सेना है, सामने 7 अक्षेणी सेना है, फिर भी दुर्योधन कह रहा है, देखिए इनकी बड़ी सेना पश्य। एक तो इसकी ईर्ष्या है, दूसरा ये दुर्योधन का डर है। डर कौन सा? नंबर्स भले मेरे पास अधिक हैं, लेकिन सैन्य बड़ा नंबर से नहीं होता, सैन्य बड़ा हिम्मत से होता है, एकता से होता है, जो पांडवों के पास है। एक हेतु से इकट्ठे हुए लोग हैं ये, और वो बात आएगी आगे के श्लोकों में। बड़ी सेना को देखिए। दूसरी बात, यदि दुर्योधन डरा हुआ है तो उसे जाना चाहिए था अपने पितामह भीष्म के पास। प्रोटोकॉल ऐसा है कि राजा यदि कोई सूचना देना चाहे या तो कुछ पूछना चाहे, He should go to the commander in chief. भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए था उसे, वो आया है द्रोणाचार्य के पास। क्यों? इसमें भी उसका मैनिपुलेशन है। उसकी मनस्थिति तो है, लेकिन कूटनीति भी दिखाई पड़ती। ये दो महारथी ऐसे थे कौरव सेना में, बाकी कई थे, लेकिन ये दो महारथी ऐसे थे कि जिनका शरीर कौरव पक्ष में था और मन पांडव पक्ष में था। ये दोनों जानते थे पांडव सही हैं, पांडव धार्मिक हैं, पांडव न्यायी हैं, पांडव नीतिमान हैं, लेकिन अपनी किसी मजबूरी की वजह से ये दोनों कौरव पक्ष में थे। उस पर भी बात करेंगे कौन सी मजबूरी थी। द्रोणाचार्य तो कहते ही अपनी मजबूरी, युद्ध जब निश्चित हो गया कि अब होना ही है, तब अब कौन किसके पक्ष में लड़ेगा। श्री कृष्ण जब एक एक को मिलने के लिए निकले, द्रोणाचार्य के पास गए हैं कृष्ण, कहा आचार्य आप तो जानते हो, बचपन से इनको देखा है। द्रोण कहते हैं हाँ मैंने देखा है इनको, मैं जानता हूं पांडव सही है, दुर्योधन गलत है। कृष्ण ने कहा तो फिर आप आ जाइए पांडव पक्ष में। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं आ पाऊंगा मैं। क्यों? द्रोण कहते हैं बद्धोस्म्यर्थे न कौरवहि अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाराज बद्धोस्म्यर्थे न कौरवैः। द्रोणाचार्य कहते हैं अर्थस्य पुरुषो दासः, पुरुषः अर्थस्य दासः। द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति यह बात करे,
पुरुष संपत्ति का दास है, ये द्रोणाचार्य बोलते हैं। दासस्त्वर्थो न कस्यचित, संपत्ति किसी की दास नहीं है, व्यक्ति संपत्ति का दास है। इति सत्यम महाराज, ये सत्य की वजह से हे महाराज, हे कृष्ण, बद्धोस्मि अर्थेन कौरवैहि, मैं कौरवों के साथ अर्थ की वजह से बंधा हुआ हूं। क्यों? आई एम ऑन द मस्टर रोल, और हर महीने मेरा जो पे का चेक आता है, मेरे पगार का चेक आता है, उसके ऊपर साइन दुर्योधन की होती है। राज्याश्रित गुरु है ना, नहीं ये बात द्रोणाचार्य ने कही। हाँ, पे चेक की बात नहीं की वो मैं, लेकिन कहने का आशय इसका ये था, क्योंकि मैंने राज्याश्रय लिया है। द्रोणाचार्य कहते हैं, बहुत संक्षेप में द्रोण की बात समझ लीजिए, इसमें दुर्योधन ये क्यों कहता है, ये पूरी बात आपको आ जाएगी। अब महाभारत में झांकना पड़ेगा हमें। द्रोण अति तेजस्वी ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, प्रभावी थे और अकिंचन थे, किसी के पास कुछ भी नहीं मांगते थे। महाभारत के समय के ये जो द्वापर युग का समय, उसमें दो ब्राह्मण विलक्षण, एक ब्राह्मण की कथा आप अच्छी तरह से जानते हो, सुदामा जी, वो भी अकिंचन ब्राह्मण, कभी किसी के पास मांगने नहीं गए, ना कोई शर्त रखी, कुछ नहीं। और दूसरे द्रोण, दोनों दरिद्र थे। वो उस समय का समाज कैसा रहा होगा, लोगों ने सोचा इनको क्या जरूरत है, यदि जरूरत होती तो मांगते नहीं, वो मांगते नहीं है तो फिर हमें देने की जरूरत क्या है, अपना काम हो तो लोग जाते द्रोणाचार्य के पास, और काम पूरा हो गया, विद्या प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, अपने प्रश्न का समाधान मिल गया, बस। द्रोण अकेले थे, दारिद्र्य उन्होंने बहुत परेशान नहीं किया, दारिद्र्य ने, ब्याह हुआ कृपी के साथ, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है कृपी, जो कृपाचार्य की बहन है। कृपी भी समझदार थी, जैसे सुदामा जी की पत्नी सुशीला, संत लोग कहते हैं, वो समझदार थी, कृपी भी समझदार थी, पति पत्नी दोनों अच्छी तरह से जीते थे, अच्छी तरह से मतलब अपने स्वाभिमान को टिकाकर जीते थे, दरिद्र थे। पुत्र का जन्म हुआ अश्वत्थामा, 5 साल का अश्वत्थामा हुआ, एक घटना बनी है। दृश्य ऐसा है, द्रोण घर में बैठे हैं, घर मतलब रहते थे अच्छे विस्तार में, घर में बैठे हैं, अश्वत्थामा 5 वर्ष का अपनी मां कृपी के पास जाकर के दूध मांगता है, और उस समय द्रोणाचार्य के घर में दूध नहीं था। कृपी समझदार मां है, बेटे को मना रही है, बेटा कल सुबह दूध दे दूंगी, बेटा 5 साल का बालक अश्वत्थामा, नहीं मुझे अभी चाहिए दूध, बेटा सुबह दे दूंगी तुम्हें दूध, नहीं मुझे अभी चाहिए, बेटा रोटी खा लो, ये दूध चाहिए। द्रुपद और द्रोण एक ही गुरु के शिष्य थे, परशुराम जी के, साथ में पढ़े थे, और द्रुपद तो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र था, राजकुमार था। खेल खेल में उस समय द्रुपद ने कहा था द्रोण से कि द्रोण, हमारी मैत्री ऐसी रहेगी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं राजा बनूंगा, तुम भी मेरे पास चले आना, हम दोनों मिलकर राज्य करेंगे। द्रोण को यह बात याद आई, द्रोण द्रुपद के पास पहुंचे, द्रुपद चक्रवर्ती सम्राट हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, सभा भरी हुई है, और वहां पर द्रोण गए, पहले तो पहचान भी नहीं पाए। देखो ये अंतर कृष्ण में और द्रुपद में, सुदामा जब पहुंचे तो कृष्ण पहचान गए, अपना सिंहासन दे दिया, लेकिन कृष्ण कृष्ण होते हैं, सब कृष्ण नहीं होते। द्रोण जब पहुंचे द्रुपद के पास, द्रुपद पहचान भी नहीं पाया,
याद कराया द्रोण ने। मजाक में हंसते हुए द्रुपद ने कहा, वो तो बचपन की बचकानी बातें थी। इतने ज्ञानी हुए हो समझ नहीं पाए तुम, बालिश बातों को अभी याद करते बैठे हो। अन्न क्षेत्र खोल रखा है मैंने अपने राज्य में, दो चार दिन ठहरना है तो वहां ठहरना और चले जाना अपने मार्ग पर। द्रोण जैसे तेजस्वी ब्राह्मण के लिए यह अपमान असह्य था। देखिए व्यक्ति का अधःपतन कैसे होता है, क्लासिक एग्जाम्पल है यह द्रोण। इतने नॉलेजेबल, इतने ज्ञानी, इतने प्रभावी, पहली संपत्ति की लालच, अब द्रुपद की सभा में अपमान हुआ और वहां बड़ी सभा में द्रोणाचार्य द्रुपद से कहते हैं, द्रुपद तूने मेरा अपमान किया, मैं इसका बदला लूंगा। मजाक में हंसते हुए द्रुपद ने कहा, जाओ जाओ तुम क्या बदला लोगे, दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, अपने पुत्र के लिए दूध नहीं पा सकते, बदला क्या लोगे मुझसे। वहां से निकले द्रोण, संपत्ति की लालच, अब उसमें बैर की भावना मिल गई। क्या करें, प्रश्न तो हल नहीं हुआ, अभी बढ़ गया। घूम रहे थे द्रोण, उतने में एक प्रसंग, पांडव कौरव छोटे छोटे थे, उनके लिए कोई अच्छे गुरु की खोज भीष्म पितामह कर रहे थे कि उनको विद्या कौन सिखाएगा, ऐसा कोई प्रभावी चाहिए उनको विद्या सिखाने वाला। भीष्म को पता था कि द्रोणाचार्य करके हैं, लेकिन वो कहां है, क्योंकि द्रोणाचार्य निकल गए थे द्रुपद के पास, और उस जमाने की बात है, ऐसे नहीं कि मॉर्निंग फ्लाइट ली और शाम की फ्लाइट से वापस आ गए। अपने वहां से निकले द्रुपद के पास, जाएं सभा में पहुंचे ये करें, और ये अपमान के बाद तो किसी को चेहरा दिखाने की इच्छा नहीं होती थी उनको। घूम रहे थे जंगलों में द्रोणाचार्य, उस समय एक दृश्य घटना हुई ऐसी, कौरव पांडव खेल रहे थे जंगल में कहीं पर और उनकी गेंद कुएं में गिर गई। कैसे निकालेंगे इसको, वहां पर कोई एक ब्राह्मण आया, तीर से उसने वो गेंद निकाल के दी, एक तीर मारा उसके ऊपर, दूसरा उसके ऊपर, तीसरा, और फिर यूं जैसे छड़ी ले रहे वैसे निकाल के दे दी गेंद। बालक तो चकित रह गए, ऐसा भी हो सकता है, इतना निशाना। शाम को जाकर के भीष्म पितामह के साथ खेल रहे थे, दादाजी के समान है भीष्म पितामह तो। अरे ऐसा हुआ, हमारी गेंद कुएं में गिर गई और वहां को एक ब्राह्मण ऐसे जिन्होंने निकाल के, ये बात जब सुनी भीष्म तो पराक्रमी और ज्ञानी वे भी, ये द्रोण ही होने चाहिए, सैनिकों को भेजा, द्रोण को ले आए, नियुक्ति कर दी उनकी, कौरव पांडवों को पढ़ाने के लिए आप नियुक्त किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, द्रोण ने नौकरी ले ली, राज्याश्रय का स्वीकार, शब्द बड़ा अच्छा लगता है राज्याश्रय, क्या हुआ नौकरी। जो द्रोण के पास दूर दूर से लोग विद्या प्राप्ति के लिए आते थे, वो द्रोण स्वयं जाकर के अब कौरवों के महल में, हस्तिनापुर के महल में पेड रेसिडेंशियल ट्यूटर बन गए, व्यवस्था सब उनके लिए। भीष्माचार्य जैसे व्यक्ति हो और ऐसा ज्ञानी की सम्मान वो तो करेंगे, द्रोण को रहने के लिए भव्य महल दिया गया, नौकर चाकर, हैंडसम सैलरी, अश्वत्थामा को पीने के लिए नहीं अब तो नहाने के लिए दूध मिलने लगा, सब कुछ हो गया। तो जो मटेरियल हैप्पीनेस की बात थी वो पूरी हो गई, द्रोण की जो वो रिक्वायरमेंट सब पूरी हो गई, इन बैर की जो भावना थी, द्रुपद ने मेरा अपमान किया है, उसका बदला लेना, वो आग द्रोणाचार्य के मन में जलती रही।
पांडवों का विद्याभ्यास पूरा हुआ, 10-12 साल लगे होंगे। जब विद्याभ्यास पूरा हुआ, गुरु दक्षिणा की बात आई, सभी को इकट्ठा करके द्रोणाचार्य ने पूछा है, मुझे दक्षिणा चाहिए, क्या दोगे? सब एक दूसरे के सामने देखने लगे, क्या मांगेंगे? पे चेक तो जाता है हर महीने, अब क्या मांगेंगे? कोई बोल नहीं पाया। उस समय एक अर्जुन खड़ा होकर कहता है, गुरुजी आपके मन में जो भी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। क्या आश्चर्य है कि अर्जुन द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय शिष्य, ऐसे जो इच्छा हो, पूछा भी नहीं क्या इच्छा है, आपके मन में जो इच्छा होगी मैं पूरी कर दूंगा। बताइए ये इच्छा है? पहले कौरव गए, दुर्योधन ने कहा नहीं नहीं मैं जाऊंगा पहले। ठीक है जाओ। हार कर आया दुर्योधन द्रुपद से दक्षिणा में। द्रोणाचार्य ने कहा मेरी इच्छा यह है, मुझे द्रुपद चाहिए जिंदा, उसको हरा कर मेरे पास ले आओ। दुर्योधन गया, खुद हार कर आया। पांडव गए हैं, उन्होंने द्रुपद को हराया, बांध कर द्रोणाचार्य के सामने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को दिया। अब उस वक्त द्रोणाचार्य कुर्सी पर बैठे हैं, वो राज्य गुरु की जो होगी ना कुर्सी, उसके ऊपर बैठे हैं और द्रुपद सामने खड़ा है। द्रोण कहते हैं याद आया, अब मैं आया था तुम्हारी सभा में, तुम पहचानने से इनकार करते थे, आज मेरे शिष्यों ने तुम्हें हराया है, तुम्हारा पूरा राज्य मेरा है, मैं चाहूं तो तुम्हें जीवित रखूं, मैं चाहूं तो तुम्हें खत्म कर दूं, अब तो हमारे बीच में मैत्री संभव है ना। मैंने जो कहा था महाभारत में व्यास महर्षि ने अच्छे लोगों की मर्यादा और बुरे लोगों की महानता का दर्शन कराया है, कल मैंने बताया था, ये प्रसंग अद्भुत है। इसमें रस्सी से बंधे हुए द्रुपद खड़े हैं सामने और बहुत छोटी बात कही लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कही। द्रुपद कहते हैं द्रोण मैं तो क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय के लिए युद्ध में हार जीत समान होती है, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, मैं जीवित रहूं मर भी जाऊं तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं तो क्षत्रिय हूं, हमारे तो खून में दौड़ती है ये बातें। लेकिन मुझे इस स्थिति में लाने के लिए द्रोण तुम्हारा कितना अधःपतन हुआ है, तुम एक तेजस्वी ब्राह्मण थे, दुनिया भर के लोग तुम्हारे पास आते थे और तुम स्वयं एक नौकरी करने रह गए, तो अधःपतन मेरा नहीं हुआ द्रोण, तुम्हारा हुआ है। अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनुः इदं ब्राह्म्यं इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। ये द्रोण जिसके आगे हाथ में चार वेद और पीछे सशरम धनु धनुष्य बाण, ये ब्राह्मण और क्षत्रियत्व का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर होता है। इदं ब्राह्म्यं इदं क्षात्रं, वेद उपनिषदों की चर्चा करनी है आइए, और युद्ध करना है आइए, ये जो कॉम्बिनेशन द्रोण में था, ऐसे तुम्हारा यह था पतन, तुम नौकरी करने लगे। और महाभारत में वेद व्यास स्पष्ट लिखते हैं द्रुपद की इस बात का उत्तर द्रोण के पास नहीं था, द्रोण मौन रह गए, केवल इतना कहा इसे छोड़ दो अब जाओ। वैर भी पूरा हो गया लेकिन वो संपत्ति की जो लालच, अब तो छोड़ के चले जाते, पांडवों का कौरवों का अध्ययन पूरा हो गया है, वैर लेना था द्रुपद का वो पूरा हो गया, अब वापस चले जा, पर अबे तो जे मजा आ भी गई पहली संपत्ति नहीं, अब कैसे निकलें? अश्वत्थामा भी बड़ा होने लगा था कौरव पांडवों के साथ खेलकर और वो दुर्योधन का मित्र बन गया था, चंडाल चौकड़ी में अश्वत्थामा था ना, दुर्योधन दुशासन शकुनी और अश्वत्थामा, ये चंडाल चौकड़ी। अब यदि द्रोणाचार्य जाना भी चाहे तो अश्वत्थामा नहीं जाने देगा उनको,
क्यों जाना है? क्योंकि अश्वत्थामा जवान हो गया है, पढ़िया रहो ना है। शू जरूर छे? अने पढ़िया रहा, निकल जाते, तुम्हें रहना है तो रहो, मैं चला जंगल में जाकर के तपश्चर्या करूंगा, प्रभु का नाम करूं लूंगा। नहीं निकले ये द्रोण। एक और बात बता दूं, द्रुपद का जो अपमान हुआ, द्रुपद निकले वहां से, लेकिन उस वक्त अब वो तो क्षत्रिय है, उसको जो बदला लेना था यज्ञ किया है द्रुपद ने। यह प्रार्थना से, यह इच्छा से कि द्रोण को मार सके ऐसी मेरी संतान हो, यज्ञ कुंड में से तीन संतान उत्पन्न हुए, दृष्टद्युम्न, द्रौपदी और शिखंडी। और देखना ये तीनों ने महाभारत के युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। सबसे पहली बात तो द्रौपदी न होती तो महाभारत न होता, सीधी बात है ना। आंधड़ा ना छोकरा तो क्या जरूरत थी उसको बोलने की, नहीं तो वहां तक की महाभारत की कथा देखिए, सब कुछ हो गया है ना। अनिच्छा से भी दुर्योधन ने जो जंगल वीरान प्रदेश दिया, उनमें पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में मेहनत करके इंद्रप्रस्थ का राज्य बनाया, राजस्वीय यज्ञ किया, भारत भर के राजाओं ने पांडवों को राजा के रूप में स्वीकृत किया, रहते वो अपनी तरह से, लेकिन वो मैज सभा मैदानों ने बनाया हुआ पांडवों का महल देखने के लिए दुर्योधन, ये कहानी आप जानते हो सीरियल देवी की कृपा से। लेकिन उस सीरियल में जो सी रियल है ना, वो मैं बता रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स कर रहा हूं, जो रियलिटी है उसके अंदर के बिटवीन द लाइंस जो बातें हैं। उस समय जो द्रौपदी ने अपमान किया दुर्योधन का, दुर्योधन में मन में ठान ली कि तूने मेरा अपमान किया, अब मैं तुझे अपमानित करूंगा, जिसकी वजह से मैं सभा द्युत सभा हुई और पांडवों को 12 वर्ष वन में, 13वां वर्ष अज्ञातवास। फिर दुर्योधन का, अब तो कुछ नहीं दूंगा, पहले जंगल दिए तो तूने मेरा अपमान किया ना, अब तो वो भी नहीं दूंगा। तो द्रौपदी, दृष्टद्युम्न पांडवों का सेनापति 18 दिन तक, और शिखंडी उसकी बात आएगी बताऊंगा, पात्र आएगा वो भी शंख ध्वनि करता है, करता है या करती है, शिखंडी है। तो द्रुपद ने दृष्टद्युम्न को विद्याभ्यास कराने के लिए, क्योंकि जब द्रुपद बड़ा होने लगा, अब इसको विद्याभ्यास कौन कराएगा, अब घूम फिर के एक ही नाम आता है, द्रोणाचार्य, क्योंकि उनके बरोबरी वाला कोई था ही नहीं दूसरे। इफ यू वॉन्ट द बेस्ट, द्रोणाचार्य वॉज द ओनली चॉइस, जो शास्त्र को पकड़ के चले। देखिए महानता, देखिए द्रुपद ने अपने पुत्र दृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य के पास भेजा शस्त्र विद्या सीखने के लिए, धनुर्विद्या सीखने के लिए, और द्रोणाचार्य की महानता आप देखो, वहां उस प्रसंग में द्रोणाचार्य थोड़े से नीचे आ गए थे, द्रुपद का पात्र ऊपर हो गया था, अब पलरो जरा तराजू झुक रहा है वापस। द्रुपद की तो महानता है, नहीं तो बीजो के नाम वटमा नहीं आ रहे हूं, नहीं द्रोण हो तो एम ना घरना वो राखे ना पाछू मिजाज, नहीं द्रुपद ने बोले मेरा पुत्र है और मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र श्रेष्ठ बने,
और यदि मेरे पुत्र को श्रेष्ठ बनाना है तो वो संस्कार द्रोणाचार्य ही दे सकते हैं। मेरे और द्रोणाचार्य में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, मेरे पुत्र का क्या दोष है उसमें? ये देखिए द्रुपद की कितनी महानता होगी, अपने मतभेद को बाजू में रख करके दृष्टद्युम्न से कहा, पुत्र जाओ उनके पास नम्रता से अभिवादन करके कहना, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपके पास से मुझे संस्कार चाहिए, विद्या चाहिए। ये द्रुपद की महानता। और अब द्रोणाचार्य का पलड़ा भारी हो गया, द्रोणाचार्य ने उसको स्वीकार किया है जानते हुए कि द्रुपद का पुत्र है ये, मुझे मार सके इसलिए द्रौपद ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ में से उसे यह पुत्र मिला है। दैट मीन्स दिस इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अ कॉज ऑफ माई डेथ। फिर भी द्रोणाचार्य ने उसको विद्या दी। क्या अद्भुत पात्र है। आप पढ़िए महाभारत। लोग ऐसा समझते हैं पर महाभारत पछी वाँचे तो अपना घर में न था एम न ओछा था। पढ़ोगे तो शायद कम होंगे, क्योंकि पता चलेगा कि ऐसी ऐसी बातों में महाभारत हो सकता है, बचो उससे। अब द्रोणाचार्य ने दृष्टद्युम्न को विद्या पढ़ाई और कितना प्रभावी बनाया होगा, जरा सोचिए कि पांडव सेना ने सेनापति के रूप में, ये पांडवों नो हाड़ो हतो एटले नथी मुक्यो, एने द्रौपदी नो भाई हतो एटले नथी मुक्यो, ही डिजर्व्ड दैट पोजीशन। ये तो अर्जुन भी बन सकता था सेनापति, भीम बन सकता था सेनापति, और भी कई महारथी हैं, अभी लिस्ट आएगा देखिए पांडवों के पक्ष में। दृष्टद्युम्न एंड ही वॉज अ वेरी एबल कमांडर इन चीफ। तो इतना ज्ञान द्रोणाचार्य ने दिया है उसको। अब ये पूरी घटना मन में रख के तीसरा श्लोक पढ़िए। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, दुर्योधन कहता है आचार्य एताम पांडुपुत्राणाम महतीं चमुं पश्य, पांडु के पुत्रों की अर्थ पांडवों की ये बड़ी सेना को आप देखिए कैसी है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, दृष्टद्युम्न नहीं कहा, ये तो कह सकता था ना, जानबूझ के उसने क्या कहा, द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने यह सेना है। केवो मीठू भभरावे छे घामा जुआ मानस, ये जो घाव था द्रोण के हृदय में उसके अंदर नमक भर रहा है। याद है ना जिसने तुम्हारा अपमान किया था सभा में, याद है, और वो बंध के खड़ा था, बंधन में था, फिर भी तुम्हें कह के गया कि अधपतन तो तुम्हारा हुआ है, वो द्रुपद उसका पुत्र, और आपको मारने के लिए जिसका जन्म हुआ है ऐसा द्रुपद का पुत्र। कितनी सारी बातें एक क्षण में दुर्योधन ने याद करा दी एक शब्द कहकर। मुझे ये महाभारत की कहानी कहते हुए 15-20 मिनट लगी, पूरी बैकग्राउंड बताते हुए, लेकिन वो पूरी बात जीवन भर की द्रोण की कसक वेदना एक शब्द में दुर्योधन ने जागृत कर दी। ये उसकी कूटनीति, ये उसकी कुटिलता। महाभारत में तो एक दुर्योधन था, आज तो एक आड़ो शब्द बोले ने कोक के, पाछो हम विचार करें आ बोलिए एटले बराबर तीर निशाने पे लगेगा। ऐसे लोग होते हैं। व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण, और इतना यदि कम हो तो तव शिष्येण धीमता, तव धीमता शिष्येण द्रुपद पुत्रेण व्यूढ़ां पांडवानां महतीं चमुं, हे आचार्य पश्य। तुम्हारे बुद्धिमान शिष्य
आपने ही पढ़ाया है, देखो इसको, और देखो आपके सामने खड़ा है आप मारने के लिए आपको, इसने ये सेना बनाई। अब पता चला आपको क्यों दुर्योधन पहले द्रोणाचार्य के पास गया। उसे पता था भीष्म क्षत्रिय हैं, भले उनका भी हृदय पांडवों के पास है, ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पांडव्स, फिर भी भीष्म क्षत्रिय हैं। इतना ही नहीं, भीष्म वचनबद्ध हैं, तो उनके हिलने की संभावना कम है, विचलित होने की संभावना कम है उनकी। लेकिन एक द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, ब्राह्मण स्वभाव से संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है। पॉसिबल है कि विचलित हो जाए, तो उनको स्थिर करो पहले, इसलिए आया है। उनको बड़प्पन दे रहा है ताकि उनका मन मक्कम बना रहे। संबोधन भी किया आचार्य, आचार्य शब्द की व्याख्या है आचिनोती इति आचार्य, जो आचरण से उपदेश करे वो आचार्य। केवल शब्दों से उपदेश करना आसान होता है, सरल है। शिक्षक, गुरु, आचार्य, ये अलग अलग शब्द हम सिनोनिम समझते हैं, समानार्थी समझते हैं, है नहीं? सभी के विशिष्ट अर्थ है, देयर इज अ डिफरेंट एंड डेफिनेट शेड ऑफ मीनिंग टू देम, ईच वन ऑफ देम। केवल सिखा दे वो शिक्षक, शिक्षक, परीक्षक, गुरु, आचार्य, केवल सिखा दे वो शिक्षक। मैंने मेरा काम कर दिया, 45 मिनट पूरी थी, टंग। शिक्षक मतलब बहुत बड़ा योगदान है, यहां भी बैठे होंगे कई, मैं मजाक करना नहीं चाहता, वो मैं भी शिक्षकों के हाथ में ही तैयार हुआ हूं। शिक्षक शिक्षा प्रदान करे, शिक्षक। परीक्षक परीक्षा ले, यानी पास लालच पेन हो बोलो, परीक्षक। गुरु अज्ञान में से ज्ञान में ले आए, गुरु। आचार्य आचरण से, आचार्य हमेशा आग्रह रखेगा आप पास में रहो मेरे। सीखना चाहते हो चलो मेरे साथ। तो आचार्य कभी तैयार पैकेट नहीं देगा, ही विल क्रिएट अ सिचुएशन कि आप उसके पास में रहो और उसके आचरण में से सीखो। यहां दुर्योधन आचार्य द्रोण कहके, आचार्य कहके पुकारता है। क्यों? कहा देखिए, सबसे पहली बात, आप पांडवों के तो गुरु हो लेकिन हमारे भी तो गुरु हो, आपने हमें भी विद्या प्रदान की है, इसलिए आप पांडवों की ओर विशेष पक्षपात मत रखना। ये पहली बात बताई आचार्य कहके। और दूसरी, यदि आप अर्जुन के गुरु हो तो आप अर्जुन के गुरु हो, अर्जुन पराक्रम से लड़े उससे अधिक पराक्रम से आपको लड़ना है, क्योंकि अर्जुन तो आपका चेला है, गुरु तो आप हो, सिखाया आपने है, तो उसके गुरु बन के दिखाना। तो मतलब पांडव जो युद्ध करते हैं उससे अधिक सामर्थ्य से आप युद्ध करना, क्योंकि आप तो गुरु हो। और तीसरा, निष्पक्षता से युद्ध करना, क्योंकि तुम्हारा आचरण हे आचार्य अन्यों के लिए प्रेरणा रूप बनने वाला, इसलिए हे आचार्य महतीं चमुं पश्य। देखिए
तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य ने यह सेना जो लगाई है देखिए, तो पूरी बात द्रोणाचार्य के मन में आ गई। कैसी है ये सेना? चौथे पांचवे और छठे श्लोक में, ये तीनों को हम साथ में लेंगे, चौथे पांचवे और छठे श्लोक में दुर्योधन वर्णन करता है पांडवों की सेना कैसी है। अत्र शूरा महेश्वासा, अत्र शूरा महेश्वासा, भीमार्जुन समायुधि, युयुधानो विराटश्च, द्रुपदश्च महारथः, दृष्टकेतुश्चेकितानः, काशीराजश्च वीर्यवान्, पुरुजित कुन्तिभोजश्च, शैब्यश्च नरपुङ्गवः, युधामन्युश्च विक्रांता, उत्तमौजाश्च वीर्यवान्, सौभद्रो द्रौपदेयाश्च, सर्व एव महारथः, दुर्योधन वर्णन करता है अपने आचार्य द्रोण के पास पांडवों की सेना का। कितने लोगों के नाम लिए इसने? अत्र शूरा महेश्वासा, शूर लोग हैं यहां पर, महेश्वासा। इशु का अर्थ है तीर संस्कृत में, कहेगा आगे, इशु भी प्रतियोत्स्यामी पूजा रहा वरी सूदन, दूसरे अध्याय में श्लोक। इशु का अर्थ है तीर, और तीर जिससे छोड़ा जाता है उसको कहते हैं इश्वास, धनुष्य। तो सामान्य धनुष हुआ इश्वास, और बड़े बड़े धनुष महेश्वास, और वो जिसके पास है वे बहुवचन महेश्वासा, ये शब्द ऐसे बनता है। अत्र शूरा महेश्वासा, शूर लोग हैं अत्र पांडव सैन्य में, बड़े बड़े धनुष्यधारी हैं यहां पर। कौन है? भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान, युधि सप्तमी विभक्ति, युद्ध में, इस युद्ध में महेश्वासा बड़े बड़े हैं, भीम और अर्जुन के समान। ये देखिए, सबसे पहले दुर्योधन को भीम ही दिखा, इसके मुख्य दो कारण हैं। दुर्योधन भीम को अपना प्रतिस्पर्धी मानता था, दोनों बाहु युद्ध करते थे, दोनों मल्ल युद्ध करने वाले थे, और दोनों मल्ल युद्ध दुर्योधन बलराम जी के पास से सीखा, इसलिए ये देखिए महाभारत। फिर कृष्ण को सॉफ्ट कॉर्नर अर्जुन से था, और बलराम जी को सॉफ्ट कॉर्नर दुर्योधन से था। बलराम जी को दुर्योधन अपना लगता था,
बड़ी मेहनत पड़ी है कृष्ण को बलराम जी को दुर्योधन से दूर रखने की, नहीं तो बलराम जी अगर लड़ते तो दुर्योधन के पक्ष में जाते। लोगों ने केवो केवानो मौको मळता बे भाई त्यां एक नो थया। ये तो हैं कजिन ब्रदर पांडव कौरव सामने सामने, लेकिन ये तो रियल ब्रदर्स हैं। फिर भी कृष्ण ने बहुत नीति पूर्वक बहुत विलक्षणता से बलराम जी को निष्पक्ष रखा है। अब द्वारिका संभालो, मैं जरा यहां ध्यान रखता हूं। पहला बार पहले कारण, दुर्योधन को भीम अपना प्रतिस्पर्धी लगता था, इसलिए उसने सबसे पहला नाम पांडव सेना में भीम का लिया। दूसरा कारण, दृष्टद्युम्न ने जो व्यूह बनाया है, व्यूह पैटर्न, सेना को जिस तरह से किया जाता है, जैसे क्रिकेट में फील्डिंग में कैप्टन लगाता है ना कि तुम यहां खड़े रहो, तीन स्लीप गली ये वो यहां खड़ा है, ऐसे युद्ध भूमि पर कौन कहां खड़ा रहेगा, कैसे सैन्य खड़ा रहेगा, वो रचना पहले दिन की वज्र रचना थी और उसके मुख्य स्थान पर भीम था। अब दूर से आप देखो तो पांडव सेना और वो महतीम जो अगले श्लोक में कहा भीम ने, उसका एक दुर्योधन ने कहा, उसका एक कारण ये भी था नंबर्स कम थे, लेकिन ये व्यूह जो बनाया था ऐसा बनाया था बहुत विराट लगती थी। और इन्होंने जो बनाया था व्यूह कौरवों की सेना की, नंबर्स ज्यादा थे लेकिन लगती थी छोटी। वज्र व्यूह के मुख्य स्थान पे भीम था, इसलिए दुर्योधन को पहले भीम दिखाई पड़ा। भीमार्जुन समायुधि, भीम अर्जुन, फिर कहा युयुधान। भीम इसलिए भी कौरवों को इवन धृतराष्ट्र को भी सबसे अधिक डर भीम का लगता था। उनको पता था युधिष्ठिर धर्मराज वो शांत व्यक्ति, अर्जुन संवेदनशील है। तो देखिए धृतराष्ट्र की जो व्यक्ति को पहचानने की शक्ति थी बड़ी विलक्षण थी, ही वॉज नॉट रॉन्ग। युद्ध में से निकलने की बात अर्जुन ही करने वाला है, न युधिष्ठिर करते हैं न भीम, भीम तो करे नहीं कोई दिवस, अर्जुन कर सकता है, नकुल सहदेव भी नहीं करेंगे, रहा कौन, भीम। सबसे डर उनको था क्योंकि भीम में प्रतिशोध की भावना ज्वलंत थी। कहीं पर भी अन्याय हो अनीति हो भीम सहन नहीं कर सकता था, वो तुरंत विरोध करेगा। द्रौपदी के चीरहरण के समय बाकी के चार पांडव सर झुका के बैठे रहे नीचे, कारण था उनका भी, नामर्दगी नहीं थी, कारण था अपना अपना, लेकिन भीम विरोध करने के लिए खड़ा हुआ है वहां पर। तो युधिष्ठिर ने कहा बैठ जाओ भीम, हम हार चुके हैं। और ऐसा जब कहा तो फिर बड़े भाई की आज्ञा है, सभा में बैठे हैं तो बड़े भाई का तो अपमान नहीं हो सकता, समसमी ने बैठो छे भीम। लेकिन उस वक्त कह दिया उसने एक बार, दुर्योधन जिस जांग पर तू द्रौपदी को बिठाने की बात कर रहा है उसको मैं चीरूंगा, रक्त प्राशन करूंगा इसका मैं। ये भीम बोल सकता है और कोई नहीं बोला, भीम बोला। और इसलिए महाभारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि द्रौपदी को जीता था अर्जुन लेकिन द्रौपदी को सुरक्षितता भीम के पास लगती थी। शी यूज्ड टू फील प्रोटेक्टेड, शी यूज्ड टू फील सिक्योर्ड विद भीम। अज्ञातवास के दौरान द्रौपदी
सैरंध्री दासी बन के रही है विराट राजा की सभा में, विराट के दरबार में। और जैसा आज होता है वैसा उस समय भी होता था, दासी है तो फिर महल में नौकर जो होंगे उनका भी, द्रौपदी कितनी सुंदर थी, दासी बन के रही वो शर्त थी इसलिए गुप्तवास में, लेकिन दूसरे सब नौकरों की दृष्टि कुदृष्टि उसके ऊपर पड़ती थी। कीचक द्रुपद राजा का सेनापति था और रिश्ते में भी लगता था कुछ, बड़ा शक्तिशाली कीचक, उसकी दृष्टि पड़ी। द्रौपदी से दुर्व्यवहार करने गया, द्रौपदी ने भीम को कह रखा था, भीम रसोईया बनके कुक बनके रहा था वहां पर विराट राजा के वहां महल में। तो जब से द्रौपदी ने हिंट दे रखी थी कि ये कीचक, भीम ने कहा बस अब चिंता मत करो मैं हूं। और जब कीचक द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करने गया, भीम पहुंच गया वहां पर, एक मुक्को मारे त्या कीचक नु राम जय राम, पूरा हो गया वहां पर। देखो वहां पर अर्जुन भी था, युधिष्ठिर भी थे, नकुल सहदेव भी थे, द्रौपदी ने बात भीम को ही की और भीम ने वो काम भी किया। युधिष्ठिर पासे द्रौपदी गई होती, युधिष्ठिर उपदेश आपत, आपड़े जरा हाचवीन रही लो ना, वरहज काढ़वानू छे। भीम की बात कुछ अलग। तो ये और स्वभाव जानते थे दुर्योधन धृतराष्ट्र, इसलिए भीम अर्जुन समाय। तो गांधी जी ने कहा था ना कि पूरा महाभारत चला जाए केवल भगवत गीता रह जाए तो आप पूरे महाभारत को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते। लेकिन ये जो इमेज है ना, हम जब इतनी बात करें और आगे चलें तो हमें इमेज ऐसी आई कि हाँ भीम तो बराबर हम 10 pack 6 or 8 तो ऐरा खैरा नथु खैरा करते हैं, तो भीम के तो उससे ज्यादा ही होने चाहिए। हमें भीम केवल बलवान लगता है लेकिन ये मत भूलना भीम बुद्धिमान भी था, विचक्षण था वो, और उतना ही इमोशनल भी था। भीम की एक बात थी, वो नारी का सम्मान बहुत करता था। कभी किसी स्त्री के गौरव का हनन हो रहा हो वो भीम सहन नहीं कर पाता था। और एक बात कह दूं, मतलब भीम में बल बुद्धि और इमोशन तीनों थे, हमें केवल भीम के बल का ही पता है, बहुत विचक्षण। इसलिए भी याद रहे, जरासंध जैसे प्रभावी राजा का फैला हुआ नेटवर्क तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम का उपयोग किया। हमें केवल एक प्रसंग के रूप में ही वो पता है कि भीम और अर्जुन को लेकर के श्री कृष्ण गए जरासंध की राजधानी में और युद्ध करवाया, पत्ता चीर के श्री कृष्ण ने इशारा किया इसको चीर डाल, लेकिन वो इकट्ठे हो जाते थे तो भगवान ने इशारा किया शिवलिंग बना बीच में और फिर भीम ने शिवलिंग बनाया और जरासंध मर गया। बात इतनी आसान नहीं थी, अधार्मिक राजाओं का पूरा नेटवर्क बना के रखा था जरासंध ने, और उस वक्त के आर्यावर्त में किसी की हिम्मत नहीं थी जरासंध के सामने आंख उठा के देख सके, इतना प्रभावी नेटवर्क फैले हुए लोग उसके सब जगह पे, और उनको नष्ट करना है कैसे करेंगे। पत्ता चीरना मतलब केवल जरासंध नाम के एक व्यक्ति के शरीर को चीरने की बात नहीं थी,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये नेटवर्क को छोड़ दे, तोड़ दे नेटवर्क को, इनमें अंदर अंदर का जो मेल है वो छोड़ तोड़ना पड़ेगा, उसको बिखेर देना पड़ेगा उनको। अन्यायी लोगों की, अधार्मिक लोगों की शक्ति किसमें होती है? उनकी यूनिटी में होती है। ये हमेशा से रही है एक बात, द्वापर युग से और कलयुग में तो खास, कि बुरे लोग एकत्र हो जाते हैं, अच्छे लोग एकत्र नहीं हो पाते। 5 लाख की बस्ती हो, बस्ती शहर हो ऐसा, 5 लाख का पॉपुलेशन, और उस 5 लाख के पॉपुलेशन में एक गुंडा जिसके पास 50 आदमी हैं, उसका शासन चलता है, उसकी गैंग है। गैंग में कितने आदमी? 50 आदमी हैं। ओ अच्छा, वो एरिया में जाओ मत, उसके मुंह मत लगो। क्यों? नहीं, और शाम को 6 बजे के बाद तो उधर जाना ही नहीं चाहिए, उसकी गैंग में उसका इतना प्रभाव है, वो ये करता है। 5 लाख लोग का पॉपुलेशन वाला नगर, पूरा नगर कांपता है 6 बजे, सब लोग घर में घुस जाते हैं। क्यों? वो गुंडे की गैंग आएगी। गैंग में 50 लोग। अब जरा सोचो, ये 5 लाख लोग इकट्ठे होकर कहें कि ये 50 को खत्म करना है, 50 की ताकत क्या है? अपने 5 लाख में से 25, 50, 500 गए कोई बात नहीं, बाकी के बचे उनको तो जीवन भर की शांति हो जाएगी। लेकिन ये 5 लाख लोग जीवन भर उस 50 लोगों की गैंग से डरते रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो 50 एक हैं और ये बाकी के 4,99,950 बिखरे हुए हैं और इसलिए डरे हुए हैं। यही शक्ति है इनकी, गलत लोगों की, उनकी एकता, उनकी यूनिटी। उनको पता है हमारे 50 में से एक कम भी हो गया कोई बात नहीं, लेकिन 5 लाख के पॉपुलेशन वाले नगर पर हम शासन करेंगे। जरासंध ने पूरे आर्यावर्त में ऐसा नेटवर्क बना रखा था, यूनिटी वाला। और यह महत्वपूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण ने भीम को सौंपा, इनकी यूनिटी को तोड़, इनका जो बीच में इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाना चाहिए। तोड़ा, कहानी आपने सुनी है, प्रतीकात्मक कहानी, कि उसको चीरो तो वापस इकट्ठे हो जाते हैं। ये उत्साह, अहियां थी विखेरो तो दुबई में जैन मळे। वो मिलेंगे जरूर, बैंकॉक में जैन मळे, जब होते सेंटर्स बड़ा मळवाना, तो यहां से बिखेरो, वो एक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे वापस। क्या करें, उनको बिखेरना तो जरूरी है, और बीच में शिवलिंग की स्थापना करो, बीच में कल्याणमय विचार भी देते जाओ, धर्म के विचार देते जाओ, तब वे लोग पुनः मिल नहीं पाएंगे। और यह काम भीम के पास करवाया है कृष्ण ने। इतनी बड़ी विलक्षणता है भीम की। तो भीम को केवल लठ नहीं मानता, आपड़े त्यां भीम एटले लठ, खाओ मारवा बड़ा धंधो, ऐसा नहीं। द्रौपदी यदि भीम के पास, बस कभी कभी है ना, एक सर्टिफिकेट इनफ होता है। द्रौपदी इतनी बुद्धिमान, इतनी बुद्धिमती, तो भीम अर्जुन समायुधे, अर्जुन उसके बारे में तो आती रहेगी बातें। युयुधानो विराटश्च, युयुधान सात्यकी, वह अर्जुन का शिष्य था, उसने अर्जुन के पास से बाण विद्या सीखी थी। भाष्यकार शंकरानंद जी ने
पांडव पक्ष के जो योद्धा है प्रत्येक योद्धा के नाम की व्याख्या की है, उससे आपको वो पात्र क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। युयुधान, अतिशयेन युद्धयति इति युयुधानः, जो युद्ध का अतिशय उद्यम करता हो उसे युयुधान कहते हैं। इसका दूसरा नाम था सात्यकी। वह यादव वंशीय राजा शिनिक का पुत्र था, कृष्ण का परम मित्र था। महाभारत के युद्ध के अंत में सर्वनाश हुआ है, नहीं बचे हैं वह। कौरव तो पूरे के पूरे खत्म हो गए, उनका सैन्य खत्म हो गया, पांडव पक्ष में भी बहुत बड़ी जान हानि हुई है। बड़े बड़े योद्धा खत्म हो गए, मुट्ठी भर योद्धा जो बचे महाभारत के युद्ध में अंत में, उसमें एक युयुधान था, सात्यकी था, और उसकी मृत्यु यदुवंशियों में जो परस्पर संघर्ष हुआ, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी देहोत्सर्ग किया, उस समय सात्यकी की मृत्यु हुई थी। यादवों के परस्पर संघर्ष, विराट शत्रुन विशेषेण रटयति इति विराटः, रणभूमि में शत्रुओं का नाम ले लेकर के अपने साथ युद्ध करने के लिए जो बुलाए उसको कहते हैं विराट। शत्रुन विशेषेण रटयति इति विराट, इसका अर्थ एक एक का नाम जानता है, आ इधर, हे आ मेरे साथ युद्ध कर, विराट। बड़ा धार्मिक था विराट राजा, मत्स्य देश का राजा था, और पांडवों ने एक वर्ष के अज्ञातवास के लिए ये विराट राजा का नगर ही पसंद किया था। एक वर्ष तक पांडव रहे गुप्तवास में, और जब प्रकट हुए तो विराट राजा को इतना संकोच हुआ कि मैंने पांडवों को अपने यहां सेवक बनाकर रखा, भीम को रसोईया बना के रखा, नकुल अश्वपाल बना, युधिष्ठिर मंत्री बन के रहे, अर्जुन तो बृहन्नला डांस टीचर बन के रही, द्रौपदी दासी बन के रही, सहदेव ज्योतिषी बन के रहा, ऐसे मैंने रखा इन सबको। संकोच हुआ, नहीं मेरे, मैं इसको पूरा करना चाहता हूं, मेरा दोष। उसने प्रस्ताव रखा कि मेरी इकलौती पुत्री है उत्तरा, उसका ब्याह मैं अर्जुन के साथ करूं। अर्जुन ने कहा नहीं, उत्तरा को मैंने नृत्य सिखाया है गुरु के रूप में, वो मेरी शिष्या है, और शिष्या पुत्री के समान होती है, विवाह नहीं करूंगा। आग्रह किया विराट राजा ने, नहीं ये संबंध होना ही चाहिए, किसी न किसी रूप में मैं अपने आप को जोड़ना चाहता हूं, मेरे परिवार को जोड़ना चाहता हूं। बहुत आग्रह किया विराट राजा ने, तो अंत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए उत्तरा का पाणि ग्रहण किया गया। पुत्र वधु, और शास्त्र है कि पुत्र वधु पुत्री के समान ही होती है, ये विराट। विराट राजा के तीन पुत्र, एक का नाम तो आप जानते हो उत्तर, जिसके साथ कौरव युद्ध करने आए थे, गायें ले जाते थे, उत्तर तो रोता हुआ वापस आया कि दुर्योधन और ये सब गायें ले गए, और वहां पर अर्जुन था। पहले अर्जुन मिल गया, कहा चल
रथ में बैठ गया अर्जुन, और स्त्री के रूप में था ना, नारी के रूप में था अर्जुन, तो उत्तर तो देखता रह गया, ये बृहन्नला डांस टीचर मेरी बहन को डांसिंग सिखाते हैं, ये युद्ध। उत्तर, दूसरे दो पुत्रों के नाम हैं श्वेत और शंख। अपने तीनों पुत्रों के साथ विराट राजा महाभारत के युद्ध में वीर गति पा चुके थे। द्रुपद, युधानो विराटश्च द्रुपदः, द्रुहु वृक्षम पदम ध्वजे यस्य चिन्हम सद्रुपदः, जिसकी ध्वजा में वृक्ष का चिन्ह है वो द्रुपद। पांचाल देश के राजा थे, पुरुषत का पुत्र था द्रुपद, और पांचाल देश के राजा थे द्रुपद, इसके लिए द्रौपदी का एक नाम है पांचाली। भरद्वाज मुनि के शिष्य थे, द्रोण के सहाध्यायी थे। हाँ, मुझे क्षमा करना, मैंने उस समय भरद्वाज, द्रोण और द्रुपद दोनों भरद्वाज के शिष्य थे। युद्ध के दौरान द्रुपद की मृत्यु द्रोणाचार्य के हाथ से हुई थी। यहां पर द्रुपद के लिए विशेषण है महार, ऐसे तो सभी को लगा सकते हो आप, महारथ युधान महारथ विराट, लेकिन द्रुपदश्च महारथ नजदीक उसके हैं। महारथ किसको कहते हैं? महारथ गुजराती में कहते हैं महारथी, हिंदी में भी है महारथी। महारथी किसको कहेंगे? एको दश सहस्राणी योध यद्यस्तु धन्विनाम शस्त्र शास्त्र प्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः। अकेला योद्धा 10,000 धनुर्धारियों के साथ लड़े, न केवल लड़े लेकिन विजय पाए, उसको महारथी कहते। तो एक योद्धा 10,000 धनुर्धारियों के साथ युद्ध करे और उनको जीते, तो महारथी एक डिग्री है, पद है। दृष्ट केतु दृष्ट पर भयंकर केतुरस्येति दृष्ट केतु। केतु ध्वज, दृष्ट पर भयंकर, रण में जिसकी ध्वजा को देखकर शत्रुओं को डर लगे उसे कहते हैं दृष्ट केतु। उस समय में धनुष्य रथ के ऊपर जो ध्वजाएं थी उससे पहचाने जाते थे, दृष्ट केतु की ध्वजा को देखे शत्रु उससे दूर रहे, दृष्ट केतु। चेदी देश के राजा शिशुपाल का पुत्र था दृष्ट केतु। महाभारत के प्रसंग ऐसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं ये जहां जहां संदर्भ आता है वहां बता दूं। शिशुपाल कौन? पता है कौन? भगवान श्री कृष्ण ने जिसको मारा था। शिशुपाल की और पहचान कराऊं, भागवत की कथा सुनी होगी तो आपको पता होगा, रुक्मिणी का भाई रुक्मी चाहता था कि रुक्मिणी का ब्याह, अवे याद आव्यू, दमघोष का पुत्र था शिशुपाल, रुक्मी का मित्र था, ये जरासंध के गैंग का आदमी था, और रुक्मिणी चाहती थी कि कृष्ण से ब्याह करें, किया। शिशुपाल उस वक्त तो बच गया, लेकिन उसके मन में जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या थी कि आ तो रुक्मिणी तो मने मड़वानी होती ना ले गयो, तो वो ईर्ष्या हमेशा उसके मन में रही। कहां प्रकट हुई? पांडवों ने जब राजस्वी यज्ञ किया उस समय प्रकट हुई। शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों भाई पास में बैठे थे, और अग्र पूजा का जब नियम आया कि अग्र पूजा राजाओं की पूजा करनी पड़ेगी, अब राजाओं की पूजा तो बहुत सारे राजा बैठे हैं, अग्र पूजा किसकी करें, पहली पूजा किसकी करें, निर्णय किया गया कि पहली पूजा तो कृष्ण की ही हो सकती है।
और भगवान श्री कृष्ण की पूजा पांडव कर रहे थे, उस समय शिशुपाल रह नहीं पाया, सहन नहीं हो पाया उससे, भरी सभा में बोलने लगा, अरे इसकी पूजा करते हुए तो राजा भी नहीं है, नियम क्या है राजा की पूजा होनी चाहिए, तो ग्वालिया है, गायें चराता था ये कहां राजा, ये तो वैश्य है, क्षत्रिय भी नहीं है। और अपमानजनक शब्द बोलते गया, गाली प्रदान करते गया। शांति से भगवान सुन, ये जरा देखो, महाभारत इज सो ब्यूटीफुल, कहा है साहित्य में तो व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, ऐसे पैराडॉक्सिस आपको कहां मिलेंगे। ये दृश्य जरा आपके सामने, आर्यावर्त का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पांडव जब राजसी यज्ञ कर रहे हैं, समग्र आर्यावर्त के राजा आकर के बैठे हैं उस सभा में जिनकी पूजा होने वाली है, उसमें अग्र पूजा श्री कृष्ण की हो रही है, एक तरफ वेदोच्चार के साथ पांडव भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हैं और उसी सभा में शिशुपाल खड़ा होकर के इनको गालियां दे रहा है, दोनों साथ में। कैन यू इमेजिन दिस सीन। और वो समय, उस समय स्वस्थ रहना, इतने बड़े राजाओं के बीच में पहला पूजन हो रहा है, ये गौरव मिल रहा है, वो गौरव का हर्ष भी नहीं है, और वहां खड़ा शिशुपाल उसी समय गालियां बक रहा है, उसका शोक भी नहीं है। ये श्री कृष्ण भगवद गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर सकते हैं। हमें तो जरा सा कोई प्रशंसा कर दे, कितना अच्छा शर्ट पहना है, नाचवा मांडे बोलो, ये शर्ट में तूने किया क्या, कपड़ा किसी ने बनाया, कपड़े की डिजाइन किसी ने बनाई, सिया किसी ने, तू 500 रुपए देकर के ले आया, ते ठठा भी हूं शर्ट की वजह से तू शोभा दे रहा है, तेरी वजह से शर्ट नहीं। इतनी सी कोई प्रशंसा कर दे तो हम खुश हो जाते हैं। यहां पर सभी राजाओं के बीच में महत गौरव मिल रहा है, स्वस्थ। और जरा सी कोई निंदा कर दे तो हम तो अठवाड़िया सुधी ऊंग ना आवे, लोग मेरे बारे में कैसा कैसा बोलते हैं, क्यों डरते हो, किया है तुमने गलत कुछ ना, हमें तो काई ना, तो फिर क्यों डरते हो। न स्तुति से बहक जाओ, न निंदा से डर जाओ, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित। भगवद गीता का 12वां अध्याय, ये भक्त है, एक बार, तीन, दो बार, तीन बार, 100 बार शिशुपाल जब बोला। और ये जब मैं कभी कभी चिंतन करता हूं ना, बैठो बैठो हूं मारी पोतानी महाभारत की फिल्म बनाऊं, जो क्यों था तू अशु, मुझे लगता है उसी समय ये पूजन पूरा हुआ होगा। तो दमघोष का पुत्र शिशुपाल, शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु, अब याद रखना, जिसको कृष्ण ने मारा, इतनी जीवन भर की दुश्मनी रही, रुक्मिणी का ब्याह पूरा परिवार शिशुपाल से कराना चाहता था, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके दौड़े, उस युद्ध में भी उसको हराया, अपमानित किया, शिशुपाल को मस्तक मुंडन करके भेज दिया वापस, और अंत में सभा में, पांडवों के राजसु यज्ञ की सभा में उसको मारा। ऐसे शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु पांडवों के पक्ष में लड़ रहा है, और केवल लड़ रहा है नहीं, महारथियों में जिसकी गिनती है, और वो गिनती कौन करा रहा है, अर्जुन कराता तो ठीक है, पांडव पक्ष का कोई कराए तो ठीक है, विरोधी ऐसा दुर्योधन करा रहा है कि ये तो बहुत बड़ा मना है महारथी। ये कृष्ण की विलक्षणता,
कि इतना बड़ा बैर था उसको भुला करके ले आए। इसका पैरेलल यदि मैं रामायण में ढूंढूं तो मुझे अंगद मिलता है। भगवान राम ने वाली को मारा और वाली का पुत्र अंगद राम के लिए सेवक बन के रहा। यहां पर कृष्ण ने शिशुपाल को मारा और शिशुपाल का पुत्र धृष्टकेतु कृष्ण के कहने पर पांडव पक्ष में लड़ा। युद्ध में द्रोणाचार्य ने धृष्टकेतु को मारा था महाभारत के युद्ध के दौरान। चेकितान, चिकितान राजा का पुत्र चेकितान, बलराम जी का मित्र था, वृष्णि कुल का यादव था, बलराम जी का रिश्तेदार भी लगता था, कृष्ण का भी रिश्तेदार था, लेकिन चेकितान का मित्रता बलराम जी से थी और बलराम जी का सॉफ्ट कॉर्नर दुर्योधन के साथ था। फिर भी चेकितान पांडव पक्ष का योद्धा बना। मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न है, लेकिन एक एक क्षणी सेना का एक एक सर सेनापति रहता है, नायब सेनापति जिसे कहे, उसमें चेकितान एक था। चेकितान का वध दुर्योधन ने किया था। पुरुजित और कुंती भोज, पुरुजित कुंती भोजश्च द्वंद्व समास है वहां पर, दोनों साथ में। ये दोनों पांडवों के मामा लगते थे और उनकी भी मृत्यु द्रोणाचार्य के हाथों से हुई थी। कुंती भोज मामा कैसे लगते थे, कुंती को दत्तक, मामा नहीं, नाना, कुंती भोज नाना और पुरुजीत में आ संबंधों की बाबत में हूँ काचो छो भी हमेशा तमाम, मैं बहुत बार गलती करता हूँ इस ऐसे संबंधों में। कुंती भोज नाना और पुरुजीत मामा, हाँ, कुंती भोज ने कुंती को दत्तक लिया था, तो इले नाना थे ना पांडव ना, हाँ नाना बराबर ना? या नाना और पुरुजीत मामा, कुंती भोज का पुत्र पुरुजीत था, दोनों द्रोणाचार्य के हाथों मारे। शैब्य, उस समय में शैब्य राजर्षि के रूप में पहचाना जाता था, शिबी देश का राजा था शैब्य, शिबी वंश में उसका जन्म हुआ था, बलवान था, वीर था, इसलिए यहां दुर्योधन भी उसे कहता है शैब्यश्च नरपुंगवः, नरों में श्रेष्ठ। शैब्य की पुत्री देविका के साथ युधिष्ठिर का ब्याह हुआ था, शैब्य युधिष्ठिर का श्वसुर था। युधामन्युः, युद्धे मन्युः कोपवेगो यस्य सयुधामन्युः, युद्ध करते समय जिसको कोप आता है, वेग आता है, आक्रोश से जो युद्ध करता है वो युधामन्युः। उत्तम ओजा, उत्तमम ओजो बलम यस्य स उत्तम ओजा, जिसका बल उत्तम है। युधामन्युः और उत्तम ओजा दोनों पांचाल देश के राजकुमार थे, अति बलवान थे और उनका एक स्पेसिफिक काम दिया गया था महाभारत के युद्ध के दौरान, अर्जुन के रथ की रक्षा करना। ये दोनों को अश्वत्थामा ने कपट से रात्रि के समय मारा था। द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या करके जब निकला, उस समय जो दूसरे भी कुछ लोगों को मारते गया उसमें ये दोनों थे, युधामन्युः और उत्तम ओजा। सौभद्रः, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्युः, क्या बात करें इसकी, पता था उसको
सात कोठे के युद्ध में प्रवेश करना आता है, बाहर निकलना नहीं आता। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देते हुए जिसने कोई परवाह नहीं की, वह अभिमन्यु सुभद्र। अर्जुन और सुभद्रा, सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, श्री कृष्ण नो भाणियों थे ना, हाँ बाणे बांजा था कृष्ण का। 20-21 वर्ष की आयु, नया नया ब्याह हुआ है उत्तरा के साथ। सीधी बात है, आप गिनती कर लो, 13वां वर्ष अज्ञातवास के बाद प्रकट हुए। मैंने अभी प्रसंग आपको बताया, द्रुपद विराट राजा ने कहा कि मेरी पुत्री का ब्याह अर्जुन से करो, अर्जुन ने कहा नहीं, सुभद्रा से, अरे अभिमन्यु से करवाया ब्याह। और उसके बाद तो तुरंत युद्ध शुरू हुआ है, जो 4-6 महीने लगे होंगे एक दूसरे को समझाने में, करने में, ये विष्टि करने में। और आपको पता है ना, उत्तरा गर्भवती थी, परीक्षित, जो गर्भ की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। परीक्षित अपने पिता का मुख कभी ना देख पाए क्योंकि अभिमन्यु की मृत्यु हो गई यहां पर। तो नौजवान जिसको ब्याह किए 6 महीने भी नहीं हुए हैं, वो नौजवान अभिमन्यु सौभद्र, दुर्योधन गिनाता है पहले दिन, बड़ा बलवान है ये। सौभद्रश्च महारथ द्रुपदो द्रौपद, सौभद्र द्रौपदेयाश्च, द्रौपदे द्रौपदी के 5 पुत्र, एक एक पांडव से एक एक पुत्र हुआ है, बिल्कुल पांडवों की रेप्लिका के समान वो। उनका नाम यदि आपको जानने हो, युधिष्ठिर से जो पुत्र हुआ था उसका नाम था प्रतिविंध्य, भीम से जो पुत्र हुआ उसका नाम है सुतसोम, अर्जुन से पुत्र हुआ श्रुतकर्मा, नकुल से जो पुत्र हुआ शतानिक, और सहदेव से जो पुत्र हुआ वह है श्रुतसेन। ये द्रौपदेय महाभारत के युद्ध में पांडव जीत गए। उसके बाद श्रीमद् भागवत में जो कथा आती है, रात्रि के समय अश्वत्थामा गुप्त वेश लेकर के गया है पांडवों की छावनी में और इन 5ों की हत्या की है। तो द्रौपदी, ये दूसरी एक बात मैं आपको बताऊं, सौभद्र और द्रौपदेय उसके ऊपर से, उस समय में संतानों के नाम माता के नाम पर से भी जाने जाते थे। यूं तो अभिमन्यु अर्जुन का भी पुत्र है ना, लेकिन सौभद्र सुभद्रा का पुत्र, 5 पांडव के पुत्र, लेकिन उनके लिए शब्द कहा द्रौपदेय, द्रौपदी के पुत्र। भगवद गीता में कई बार अर्जुन के लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है, कुंता का पुत्र। ये भारतीय संस्कृति, माता के नाम से पुत्र जाने जाते थे। मैं इसलिए स्पष्टता करता हूं कि कोई कुछ अर्धशिक्षित अज्ञानी लेकिन स्वयं को बड़े बुद्धिमान समझने वाले बुद्धू ऐसा कहते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी को गौरव नहीं था, स्त्री संतान को जन्म देती है फिर उसके पीछे पिता का नाम क्यों लगता है, माता का लगाओ ना, किसने ना कहा, शास्त्रों में किया है, सौभद्र द्रौपदेय कौंतेय। तो भारतीय संस्कृति ये नहीं कहती कि मां का नाम नहीं लगना चाहिए। संजय के बाद में लीला लगे वो केवल आज की बात नहीं है, बहुत
કઈ નહીં, ઘેર જઈને બત્તી થાય ત્યારે આપણે કરવાનું, બે જણને પૂછીને પછી કહેવાનું, કઈ હમણાં ને હમણાં જ રિસ્પોન્સ આપવો જરૂરી નથી. તો એ કોઈ નઈ બાત નહીં હે. મહાભારત મેં આપ દેખો, ઇસલી કહેતા હું વ્યાસોચ્છિષ્ટમ જગત સર્વમ, યે જગત મેં જો ભી આપકો કુછ કહે અરે યે તો નઈ બાત આઈ, યે તો કુછ નયા કિયા, મહાભારત મેં સબ કુછ હો ગયા હૈ, ઝૂઠા હૈ સબ વ્યાસ કા. માતા કો ગૌરવ થા. અબ જરા એક ધ્યાન રખના, અગલે શ્લોક મેં હમ ઉસસે ચલે, ઉસસે પહેલે दुर्योधन ने चौथे पांचवे और छठे श्लोक में पांडव पक्ष के इतने सारे योद्धाओं का वर्णन किया, महारथियों का वर्णन किया, उसने कृष्ण का नाम तक नहीं लिया है. क्या उसे कृष्ण दिखाई नहीं पड़े? हां, दलील के रूप में आप कह सकते हो कि कृष्ण तो सारथी के रूप में बैठे थे ना, वो कहां योद्धा बन के खड़े थे. लेकिन दुर्योधन को कृष्ण दिखाई नहीं पड़े. उसके लिए जैसे कृष्ण की कोई गिनती ही नहीं. महर्षि वेदव्यास यहां पर एक बहुत बड़ा सूचन हमें कर रहे हैं, जिसके जीवन में कृष्ण की कोई गिनती ही नहीं है वही दुर्योधन है. जिसको कृष्ण दिखाई ही नहीं पड़े. और आप देखना, पूरे महाभारत के युद्ध में अल्टीमेटली श्री कृष्ण ही सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरे. महाभारत के युद्ध का पलड़ा यदि पांडवों की तरफ झुका तो वो कृष्ण की वजह से. और यही दिव्य चेतना दुर्योधन को दिखाई तक नहीं पड़ी, वो रिफर भी नहीं करता. याद है ना, मैंने आज कहा महाभारत में केवल एक ही दुर्योधन था. आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण दिखाई ही नहीं पड़ते, जिनके लिए कृष्ण की कोई गिनती ही नहीं है, जिनके जीवन में भगवान का कोई स्थान ही नहीं है. 5000 वर्ष पहले श्री वेद व्यास कह के गए ऐसे लोग दुर्योधन हैं. यही लोग महाभारत निर्माण करते हैं. एक और बात, 6 श्लोकों तक पांडवों की सेना का वर्णन करके दुर्योधन को एकदम से ख्याल आया मैं क्या कर रहा हूं, मेरी सेना का एक महत्वपूर्ण योद्धा है आचार्य द्रोण, उसके सामने मैं पांडवों की सेना की प्रशंसा कर रहा हूं, ये कहीं इनका मोरल तो डाउन नहीं हो जाएगा? ये तो ऐसी बात है, क्रिकेट की मैच बस शुरू होने वाली हो, फाइनल मैच, और ये टीम का कैप्टन सामने वाले प्लेयर्स का ही प्रशंसा करते, अरे उसका तो ओपनर है क्या है, अरे उसका जो बॉलर है वो 3 बॉलर तो इतने, अपनी टीम का क्या? याद आया दुर्योधन को, 7वें श्लोक से दुर्योधन ने अपनी टीम में कौन कौन है उसका वर्णन शुरू किया. 7वां श्लोक ले पहले. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद् विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते. हे द्विजोत्तमा, ये दुर्योधन देखो, पहले आचार्य संबोधन किया, अब द्विजोत्तमा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ. यहां पर द्रोणाचार्य कोई मंत्रोच्चार करने नहीं आए थे, उनको ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन यह दुर्योधन की स्टाइल है,
वो घाव करता है और याद कराते जाता है। ब्राह्मण मत बनना, क्षत्रिय बनना। और दुर्योधन अपने तर्क में कह सकता है क्षत्रिय भी तो द्विज है, उसको भी तो जनेऊ मिलती है, वो भी ट्वाइस बॉर्न है। द्विजोत्तम अस्माकम तु ये विशिष्टाः, अस्माकम अपने पक्ष में जो विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं, तान निबोध उनको भी जानो। ते संज्ञार्थम मम सैन्यस्य नायकाः तान ब्रवीमि, आपकी संज्ञा के लिए, आपको अंदाज आ जाए इसके लिए, आपको ख्याल आ जाए इसलिए, मम सैन्यस्य नायकाः तान ब्रवीमि, मेरे सैन्य के नायकों को मैं आपसे कह रहा हूं। ये दुर्योधन का अहंकार, मम सैन्य, अपने सैन्य के आदमी के साथ खड़ा है तो कहना चाहिए ना हमारा सैन्य, लेकिन नहीं, मेरा सैन्य। ये दुर्योधन की अहंकार की प्रतीति है। सभी एक एक पात्र के स्वभाव, महाभारत में तो वेदव्यास जी दुर्योधन को कहते हैं दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुम। दुर्योधन कैसा है? मन्यु, क्रोध है, और क्रोध का बड़ा वृक्ष है महाद्रुम। वो जहां से हिलाओगे वहां से क्रोध ही आएगा, ऐसा दुर्योधन। कौन कौन है अपनी सेना में? आठवां श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तस्तथैव च। अगले श्लोक में दुर्योधन जानता है कि एक प्रहार किया है द्रोणाचार्य के ऊपर द्विजोत्तम कह के, तो यहां पर इसके ऊपर मरहम भी लगा रहा है। भवान मम सैन्यस्य नायकः, के कौन है मेरे सैन्य के नायक? तो सबसे कहा भव आप हो, उनके पास खड़ा है ना, इसलिए आप पहले, और भीष्म बाद में। यदि भीष्म के पास खड़ा होता तो भवान द्रोणश्च कर्णश्च ऐसे बोलता हो। ये जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, इनकी एक विलक्षणता होती है, इनका एक बहुत प्रोमिनेंट लक्षण होता है कि वो जिसके पास हैं उनकी प्रशंसा करते हैं। ये स्वार्थी लोग, कोई व्यक्ति हमारे सामने रहकर बार बार हमारी प्रशंसा करता जाए तो इससे सावधान हो जाना। हाँ, स्वाभाविक रूप से हो तो ठीक, लेकिन बार बार करता जाए तो बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं, वहां सावधान होने की बात है। कुछ स्वार्थ है, ही इज क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म टू पुश यू डाउन। दुर्योधन ऐसा है, भवान आप, फिर भीष्म, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के बाद यदि कोई पात्र के प्रति मेरा आदर हो तो वो है भीष्म। मैंने मेरे दादाजी को देखा नहीं, पिताजी जब 8 साल के थे तब दादाजी चल बसे, लेकिन बचपन से जो महाभारत की कथाएं सुनी, तो जब भी दादाजी के बारे में सोचता हूं तो मुझे भीष्म की प्रतिमा याद आती। ऐसे हूं दादा, दृढ़ प्रतिज्ञा,
विश्व की सबसे बड़ी कोई बात होगी, उनकी सत्य प्रीति, दृढ़ प्रतिज्ञा। अपने खुद के ब्याह करने की उम्र में यह व्यक्ति पिताजी के लिए कन्या ढूंढ के आता है, मतलब पिताजी ने ढूंढ रखी थी, नक्की करके आता है, और वह वचन दे के आता है। महाभारत की बहुत शुरुआती पर्व की कथा है। शंतनु भीष्म के पिता, गंगा से ब्याह हुआ था, इसलिए भीष्म गांगे भी कहलाते, भीष्म गंगा पुत्र हैं, लेकिन गंगा शंतनु को छोड़कर चली गई, दोनों का निजी मामला था। गंगा एक एक पुत्र को बहा रही थी और शंतनु ने कहा क्यों, तो देवव्रत को दे दिया, उनका मूल नाम था देवव्रत, भीष्म का नाम, ठीक है ये बालक आपके पास रखो, मैं चली। देवव्रत बड़े होने लगे, शंतनु के पुत्र बलवान, देवव्रत परशुराम के शिष्य, भीष्म उनके गुरु परशुराम जी, प्रभावी है, युवान हुए, युवराज पद पर हैं, शंतनु के बाद वे राजा बनेंगे। एक घटना ऐसी हुई है कि शंतनु कहीं गए थे, उन्होंने दाश राजा की पुत्री सत्यवती को देखा, वो मत्स्यगंधा थी, मछुए की पुत्री, नाविक था वो, अत्यंत सुंदर थी वो। शंतनु आकर्षित हुए, दाश राजा से जाकर कहा कि मैं तुम्हारी पुत्री से ब्याह करना चाहता हूं। दाश राजा ने कहा कि शर्त एक है मेरी, मैं पुत्री का ब्याह कराऊं आपके साथ। अब जरा सोचना शंतनु की उम्र कितनी होगी उस समय, 7 पुत्रों का जन्म हुआ है जिनको गंगा बहा चुकी है, और 8वें पुत्र हैं भीष्म देवव्रत, तो ब्याह के बाद जिसके 7 पुत्र हो चुके हों तो उम्र कितनी होगी, और भीष्म भी देवव्रत भी जवान हैं, मतलब सीधा 8वां पुत्र आया और ये मत्स्यगंधा दिखी, ऐसा नहीं है, देवव्रत जब 21-22-25 साल के 25 वर्ष की उम्र के हुए, विवाह के योग्य उम्र हुई है, तो मिनिमम 50-55 की तो उम्र होगी, नहीं उससे ज्यादा होनी चाहिए, 60 के ऊपर होनी चाहिए मिनिमम। तो 65 की उम्र के शंतनु दाश राजा से कन्या मांगते हो, सत्यवती तो युवती है। दाश राजा ने कहा शर्त एक, मेरी पुत्री के संतान राजा बनने चाहिए। शंतनु रुक गए क्योंकि देवव्रत का युवराज पद पर अभिषेक कर चुके थे, तो उसे कैसे कहेंगे तुम नंदन। लौट आए शंतनु, लेकिन खिन्न रहने लगे, वो मत्स्यगंधा को भूल नहीं रहे हैं, याद आ रहे हैं, उसका सौंदर्य याद आ रहा है। ये पुत्र ने देखा देवव्रत ने कि पिताजी अस्वस्थ हैं, कुछ पूछा पिताजी क्या है, शंतनु ने तो नहीं बताया, पिता थोड़ी पुत्र को बताएगा एक सुंदर युवती को देखकर आया हूं और वो पसंद आ गई है, ब्याह करना था लेकिन उसके पिता ने कहा कि तुझे राजा मत बनाऊं, उसके जो संतान होंगे उसको राजा, थोड़ी कहीं मर्यादा थी एक, नहीं कुछ नहीं। लेकिन देवव्रत ने ढूंढ निकाला ये कारण ये है, पहुंच गए दाश राजा के, कहा उस तुम्हारी पुत्री चाहिए ब्याह में, दाश राजा तो तैयार हो गया अब भी दे दूं। दाश राजा ने सोचा पिता गया ये पुत्र आया, उसके साथ तो ब्याह कराएं ना, क्यों ना कराएं, अभी दे दूं। देवव्रत ने कहा मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए, पत्नी के रूप में तुम्हारी पुत्री मांगने नहीं आया हूं, माता के रूप में मांगने आया हूं। दाश राजा ने कहा फिर मेरी शर्त वही है, मेरी पुत्री के जो संतान होंगे वे राजा बनेंगे,
देवव्रत ने वहीं पर कह दिया, मैं अपना अधिकार छोड़ देता हूं सिंहासन पर का। आई प्रॉमिस यू कि तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वो ही राजा बनेंगे। लेकिन दास राजा विचक्षण था, उसने कहा आप वचन दे रहे हो, ठीक है मैं मानता हूं आपकी बात को, एक पीढ़ी के बाद यदि प्रश्न निर्माण हुआ, आपका ब्याह होगा, आपके भी संतान होंगे और मेरी पुत्री के भी संतान होंगे, वो तो एक उम्र के होंगे, उनके संतान जब आएंगे तब जो प्रश्न निर्माण होगा कि राजगद्दी पर कौन बैठे, तो प्रजा आपके संतानों के साथ खड़ी रहेगी क्योंकि आपका रॉयल ब्लड है, ब्लू ब्लड है, और मेरी पुत्री से जो संतान आएंगे वो तो मिक्स ब्लड हो जाएगा, प्रजा आपके साथ खड़ी रहेगी, तो उस वक्त फिर मेरी पुत्री का और उनके संतानों का क्या होगा। देवव्रत ने हाथ में जल की अंजलि लेते हुए वचन दिया है, अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, तो मेरी कोई संतान नहीं होगी, तुम्हारी पुत्री के जो संतान होंगे वही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेंगे। अद्य प्रभृति में दारा ब्रह्मचर्यम भविष्यति, में आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, ये प्रतिज्ञा जब उन्होंने की, कहा गया उनसे क्या कर रहे हो तुम, देवव्रत से कहा गया, क्योंकि वो एक समाज था अपना, उस वक्त मान्यता थी अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसको पुत्र नहीं होता उसकी सद्गति नहीं होती, देवव्रत तुम अपरिणित रहोगे, ब्रह्मचारी रहोगे, तुम्हारी संतान नहीं होगी, तुम्हारा पिंडदान कौन करेगा, तुम्हारा श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, तुम्हारी सद्गति नहीं होगी। उस वक्त देवव्रत ने कहा अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि, पुत्र पिंडदान करे उससे मुक्ति मिलती है, ऐसी सस्ती मुक्ति मुझे चाहिए नहीं, मेरे कर्म ऐसे होंगे कि मेरे लिए मुक्ति के द्वार खुले हुए मिलेंगे, ऐसे कर्म मैं करूंगा। ये जब प्रतिज्ञा उन्होंने ली, देखो पहली प्रतिज्ञा ब्याह नहीं करूंगा, दूसरी प्रतिज्ञा ऐसे कर्म होंगे मेरे जीवन में कि मेरे लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। ये प्रतिज्ञा जब ली तब देवों ने पुष्पवृष्टि की, भीष्मोयम् भयंकर कर्मकारित्वात्, असंभव ऐसी बात को ये सत्य करने पर तुला हुआ है, ये भीष्म है, नाम था देवव्रत लेकिन टाइटल मिला है भीष्म, हुज द पर्सन हु हैज रिजॉल्व टू टर्न एन इम्पॉसिबिलिटी इनटू पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल आई एम पॉसिबल, ये भीष्म। तो नाम जन्म से नाम भीष्म नहीं था, वो तो उनको मिला हुआ टाइटल है, भीष्म दृढ़ प्रतिज्ञा नरवीर। मृत्युंजय इसको वरदान मिला, तुम्हारी जब इच्छा होगी तब मृत्यु होगी, मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आएगी तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारी जब इच्छा होगी और मृत्यु को बुलाओगे तो मृत्यु आके कहेगा अच्छा ये सेवा मुझे करनी है अब चलिए। मृत्युंजय ऐसे कदाचित भारतीय इतिहास के क्षत्रिय परंपरा के अंतिम मुकुटमणि ऐसे भीष्म, ऐसा क्षत्रिय। महाभारत ग्रंथ जिस वजह से पंचम वेद के
के रूप में पहचाना गया। वह शांति पर्व और अनुशासन पर्व के नायक हैं भीष्म, उपदेशक हैं भीष्म। इतना ज्ञान शांति पर। अब भीष्म गीता सुनिए, पढ़िए, ऐसा ज्ञान दिया है उन्होंने महापुरुष। लेकिन इतना है कि ये शक्ति गलत स्थान पर चली गई। क्यों गई उसका भी कारण, क्योंकि ये कारण इसलिए स्पष्ट करने पड़ते हैं। आजकल कुछ ऐसे लेखक हुए हैं, वो 5,000 साल के बाद एयर कंडीशन रूम में कुर्सी टेबल पर बैठकर महाभारत का विवरण लिखते हैं अपनी, अवर पर्सपेक्टिव, माय पर्सपेक्टिव। अरे तेरा पर्सपेक्टिव क्या है? मेरी दृष्टि में महाभारत, और वो पात्रों को अपनी अपनी तरह से, भीष्म को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भीष्म ऐसा यदि करते तो ये ना। तू है कौन? तेरी हैसियत क्या है? कोरे कागज तेरे पास मिल गए, कलम हाथ में आ गई, तू लिखने लगा? कितना लोग डॉट डाया हमारे भिखुदान भड़वी गढ़वी जेना माटे शब्द आपे भिखुदान गढ़वी कोडा। भिखुदान भाई के हाँ कि अमे दरेक गाम में जाइए ने डायरो करवा माटे, तो अमे पहुंचीए अने कार्यक्रम शुरू थाय ए पहला अमुक लोग आवी जाए। આજે તમે આવું કહેજો, આજે તમે આમ કરજો। ભીખુદાનભાઈ કે અમને ખબર છે અમારે શું કહેવાનું, સ્કોડા ભીખુદાનભાઈ કહ્યું કે અમને આવા કહેવા વાળા આવે, 7 દિન કી કથા હો, અમે 5મે દિવસે ટપકે। હા बहुत समय नहीं है मेरे पास में, मैं केवल आधे घंटे के लिए आया हूं, लेकिन आप जरा इतना बोलना, घेर जा घेर। कोडा आपको ऐसा कहना चाहिए, आज इसको ऐसी जरूरत है, आपको यह बोलना चाहिए, आपको ऐसा कहना चाहिए। हर एक गांव में 5 कोडा 5 कोडियो मरे, ऐसे होते हैं लखे। भीष्म को ऐसा करना चाहिए था, कृष्ण को यह नहीं करना चाहिए था, राम जी को, भगवान राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। है कौन? कौन सी परिस्थिति में ये महापुरुष जिए, कैसे निर्णय उनको लेने पड़े, बाध्य थे ये लोग कोई निर्णय लेने के लिए। पता था उनको कि यह निर्णय लेंगे तो यह परिणाम आ सकता है, लेकिन कुछ कारण थे उनके अपने ऐसे। कृष्ण और भीष्म में जो अंतर है, मेरी नम्र समझ और महापुरुषों से जो प्रसाद पाया उसके आधार पर कहूं, भीष्म कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, श्री कृष्ण रिवोल्यूशनलिस्ट थे। ये अंतर दोनों, ये उनका अपना तरीका है सोचने का। भीष्म शास्त्र क्या कहता है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अपना बलिदान कैसे दे सकता हूं इसमें, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, ये भीष्म का तरीका था सोचने का। एंड व्हाट शुड बी डन हियर बाय मी, ये कृष्ण का तरीका था सोचने का।
कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी। लोग मुझसे क्या चाहते हैं ये यदि कृष्ण सोचते तो आज हम यहां बैठते ही नहीं, मिलते ही नहीं। कृष्ण ये सोचते व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी। अर्जुन ने क्या चाहा था कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊं और आप मेरे सारथी हो, चलो घोड़ों को मुड़ा लो इस तरफ जंगल की ओर अभी। और कृष्ण यदि कहते कि कॉन्स्टिट्यूशनली आई एम अ चैरियटियर, इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अर्जुन का सारथी हूं, ड्राइवर हूं, बॉस अर्जुन है, वो जो कहे उस वहां पर मुझे गाड़ी ले जानी है, मेरा रथ ले जाना है। यदि कृष्ण भीष्म की तरह होते, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट होते कि मैंने तय किया है अर्जुन मैं तेरा सारथी बनूंगा, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा, और अर्जुन कह रहा है कि चलो जंगल की ओर ले लो, चलो जंगल की ओर, तो इस समय हम यहां होते? अरे हम होते कि नहीं ये भी पता नहीं। थैंक्स टू कृष्ण कि उसने व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी ये नहीं सोचा, व्हाट शुड बी डन बाय मी। अर्जुन नो कान पकड़ेंगे तो बोरे कहां जाता है। युद्धस्व विगत ज्वर, now that was beyond the duty of a charioteer, but only Krishna can do it। वो क्रांतिकारी ही कर सकता है। कृष्ण कृष्ण है, भीष्म भीष्म, जबकि भीष्म एक प्रसंग मुझे याद, भीष्म अपने पिता का श्राद्ध करने बैठे हैं शंतनु का, आपने भी यदि किया होगा तो श्राद्ध कृतज्ञता के भाव से पिंड दे रहे। विद्वान ब्राह्मण जब कराते हैं तो चट रखते हैं, चट दर्भ का एक टुकड़ा घास का एक रखते हैं और उसके ऊपर पिंड रखने होते हैं। पिंड क्यों रखने, ये मेरे पिता को मैं दे रहा हूं, ऐसा करके चट के ऊपर रखो, पिता का भाव करके भी मैं पिता को दे रहा हूं, हे पिताजी ये पिंड ले लीजिए आप। भीष्म ने जब श्राद्ध करते समय बोला ये कि ये पिंड मैं मेरे पिता शंतनु को दे रहा हूं, पिताजी ये पिंड ग्रहण कीजिए, ऐसा कह के देने गए, रखने गए चट के ऊपर, उस समय शंतनु का हाथ आया है पिंड लेने के लिए, क्योंकि ऐसा पुत्र कहां मिलेगा। लेकिन भीष्म, शास्त्र में लिखा है चट के ऊपर पिंड रखो, तो चट के ऊपर ही रखा, ये शास्त्र कहता। शास्त्र तो वही कहेंगे, कितने लोगों के पिता के हाथ आएंगे और आए तो वहां बैठे रहने वाले लोग कितने। वीस वर्षे बापा नो हाथ आवे लाओ। कितने लोग बैठे रहेंगे वहां पर। तो शास्त्र तो वही कहेगा ना जो सबके लिए है। भीष्म ने चट के ऊपर, भीष्म कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ये उनका अपना तरीका है सोचने का। वचन दे दिया था ना दाश राजा को, राज्य गद्दी की मैं रक्षा करूंगा, जीवन भर डिफेंस मिनिस्टर बन के रहे। इस समय राज्य गद्दी पर यदि धृतराष्ट्र है तो उनकी रक्षा करना ये मेरा कर्तव्य है। क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अभी भी युधिष्ठिर राजा नहीं बने, नियमों से जीने वाले लोग। भीष्म बहुत महान, इनका ज्ञान केवल ये शांति पर्व और अनुशासन पर्व पढ़ना महाभारत के,
बाणशैया के ऊपर से उन्होंने जो उपदेश किया, शांति पर्व और अनुशासन पर्व युद्ध के बाद का विषय, मैंने पूरी शिविर की है उसके ऊपर। 15 घंटे तक केवल ये भीष्म के शांति पर्व और अनुशासन पर्व का उपदेश क्या था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, 5 पांडव, भगवान कृष्ण बैठे हैं पूछते, क्योंकि कृष्ण ने पांडवों से कहा था जब भीष्म उत्तरायण हुआ, भीष्म ने तय किया था, मृत्युंजय शक्ति थी उनके पास में, इच्छा मृत्यु वरदान था, तो जब उत्तरायण का आरंभ होगा, मकर संक्रांति होगी, तब मैं प्राण त्याग करूंगा। श्री कृष्ण 5ों पांडवों को लेकर गए, चलो ज्ञान का ये सूर्य अस्त हो रहा है, उससे पहले जितना पा सको इनके पास से पालो। तुम हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र ले गए कृष्ण और 5ों पांडवों को बिठाया है पितामह के पास, ज्ञान प्राप्त कर लो। दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा। एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो रही है, एक पूरे युग का अंत हो रहा है। और युधिष्ठिर प्रश्न पूछते गए, भीष्म उत्तर देते गए। पहला प्रश्न युधिष्ठिर का, पितामह क्यों होता है ऐसा, हम युद्ध करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें युद्ध करना पड़ा, हम इतना बड़ा विनाश, इतना बड़ा ब्लड शेड, लहू की नदियां बहाना हम नहीं चाहते थे, कितना कोशिश की, कितनी कोशिश की दुर्योधन को समझाने की, वो माना ही नहीं। ऐसा क्यों होता है, हम अच्छे हों, हम सही हों, हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, हमें बुराई नहीं चाहिए, हमें गलत न हमने किया है न हमें करना है गलत, फिर भी हमारे अपने ही जो बुरे थे बुरे हैं और हमें भी वो बुराई में खींचते हैं, घसीटते हैं, क्यों ऐसा होता है। हम अच्छे थे फिर भी हमें दुख सहन करना पड़ा, और दुर्योधन गलत था फिर भी वो राज्य गादी संभाले बैठा, संपत्ति उसको मिली, ऐसा क्यों होता, बोलो ये प्रश्न है कि नहीं। आज भी हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि नहीं, Why do bad things happen to good people? ये प्रश्न किसी न किसी रूप में हमारे मन में भी आता है, अच्छे लोगों को जीवन में दुख क्यों से झेलना पड़ता है। सारा मानसों साथे खोटा प्रसंगों के हम सर जाए, कितने लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, जरा हाथ ऊपर करेंगे। मेरे मन में भी यह प्रश्न आता है कि हम अच्छे हैं, न कभी बुरा किया है, न करना है, न करेंगे, फिर भी बुरे लोग क्यों हमें घसीटते जा लेते, जो हमें नहीं करना है वो क्यों करना पड़ता है। युधिष्ठिर पूछते, में युद्ध नहीं करना था, 5 गांव कृष्णन, आई मीन हाउ मच मोर जनरोसिटी कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हम कितने अच्छे बने इससे, अभी सब कुछ छोड़ दिया हमने, महाभारत के शांति पर्व और अनुशासन पर्व में भीष्म का उत्तर पढ़ना आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो, मेरी शंकाओं का समाधान हो गया, आपकी शंकाओं का समाधान, भीष्म का उपदेश, भीष्म गीता। अद्भुत पात्र है भीष्म, मैं यदि भीष्म के बारे में बोलूंगा 7 दिन तक उन्हीं के बारे में बोलता रहूंगा, मेरे प्रिय पात्र। मैंने कहा महाभारत में कृष्ण के बाद दूसरे स्थान पर यदि मैं किसी को आदर देता हूं, भीष्म।
मेरे दादा के समान। कृष्ण मेरे मित्र हैं और भीष्म दादा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, क्या एक एक पात्र आते हैं। कर्ण कुंता की संतान, छठा पांडव, लेकिन पूरा जीवन पूछता रहा मेरे माता पिता कौन, मेरी मां कौन, मेरी मां कौन, पता न चला। और जब पता चला तो अपना कर्तव्य निभा न पाया, क्योंकि वो भी वचनबद्ध था। महाभारत के युद्ध से पहले जब कौन किसके पक्ष में लड़ेगा इसके लिए कृष्ण निकले हैं, जैसे द्रोणाचार्य के पास गए, जैसे कर्ण के पास गए, कर्ण को समझाया आ जा, कर्ण का नहीं। अंत में कृष्ण ने यह कहा, कर्ण तू राधे नहीं है, तो कौंतेय है, सूर्य पुत्र है तो कर्ण। कर्ण की आंखें नम हो गई। जीवन भर मैं पूछता रहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, किसी ने बताया नहीं मुझे। और केशव, आज आप बताते हो तो ऐसे मौके पर। दुर्योधन को मुझ पर भरोसा है, मैं दुर्योधन का भरोसा तोड़ नहीं सकता। कोई जब मुझे नहीं पहचानता था, इस समय मुझे एक आइडेंटिटी दी है दुर्योधन ने। द्रौपदी के स्वयंवर प्रसंग में पांडव तो गुप्त वेश में ब्राह्मणों के साथ बैठे थे, मत्स्यवेद करने के लिए मैं उठा था उस समय, और जब मैं उठा तो लोगों ने मान लिया, खत्म, अब द्रौपदी का ब्याह हो गया। कर्ण इतना श्रेष्ठ बाणावली था, बड़ी सरलता से मैं वो मत्स्यवेद कर देता, द्रौपदी मेरी पत्नी होने वाली थी। लेकिन उस समय भी यही बात आ गई, जैसे ही कर्ण धनुष उठाने जा रहा था, द्रौपदी ने अनाउंस कराया, मैं सूत पुत्र से ब्याह नहीं करूंगी, जिसके माता पिता के बारे में पता नहीं है समाज को, कौन से परिवार का पुत्र है ये, कैसे संस्कार है इसके, ये यदि पता नहीं है, हो सकता है वो बाणावली, लेकिन मैं उसकी पत्नी नहीं हो सकती। He doesn't have an identity. धनुष छोड़कर उसको जाना पड़ा। उस समय उसकी मर्यादा को संभालने के लिए दुर्योधन ने भरी सभा में कहा, वो राजा है और मैं उससे माल्यवान प्रदेश देता हूं, वो माल्यवान प्रदेश का राजा है। अदरवाइज कर्ण डिड नॉट हैव अ कैपेसिटी और द राइट टू सिट अमंगस्ट द किंग्स। राजाओं के बीच में वो बैठ भी नहीं सकता था। दुर्योधन ने मेरी मर्यादा रखी, मुझे मित्र के रूप में स्वीकार किया, अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं। दिस इज द टाइम ही नीड्स मी। और फिर जो कर्ण कहता है, अब ये प्रसंग ऐसा है ना कि अब सामने देखो तो कृष्ण का पलड़ा हल्का हो जाता है, कर्ण का पलड़ा भारी हो जाता है। ये महाभारत में एक प्रसंग ऐसा है कि कर्ण कृष्ण से भी बड़ा दिखाई पड़ता है। कर्ण कहता है, केशव आप अपेक्षा लेकर मेरे पास आए हो और दानवीर के रूप में मेरी प्रतिष्ठा है, मेरे आंगन में आया हुआ कोई व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं जाता, सामान्य व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, मैं आपको कैसे भेज सकता हूं खाली हाथ।
मां कुंती से जाकर कहना, कि उसके पांडव पांच ही रहेंगे। युद्ध में यदि मैं मारूंगा तो केवल अर्जुन को मारूंगा, बाकी किसी को नहीं मारूंगा। और मेरी मृत्यु यदि हो सकती है तो केवल अर्जुन से हो सकती है, और किसी की शक्ति नहीं कि मुझे मार सके। या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या अर्जुन मुझे मारेगा। युद्ध के बाद मां कुंती के पांच पुत्र यथावत रहेंगे। कोई आवश्यकता नहीं थी उसको ऐसा वचन देने की, न कृष्ण ने कोई मांगा था ऐसा वचन। कर्ण उदार है, बाद में जब इंद्र गया, क्योंकि ये जब वचन दिया है इंद्र कांपने लगा, मेरे पुत्र अर्जुन का क्या होगा। कर्ण सूर्य पुत्र था, अर्जुन इंद्र पुत्र था, और इसने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं केवल अर्जुन को मारूंगा। सूर्य ने इंद्र को कवच और कुंडल दिए थे, और जब तक वो कवच और कुंडल उसके पास हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कर्ण को मार सके। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा करने के लिए इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के पास गया और कवच कुंडल मांगे। कर्ण को पता था, सामान्य कोई ब्राह्मण होता तो कवच कुंडल नहीं मांगता। लेकिन दानवीर है, पता चल गया इंद्र है अर्जुन की रक्षा के लिए ये मांगने आए हैं। ये महापुरुष ने अपने कवच और कुंडल उतार के दे दिए दान में। ये कर्ण महाभारत की क्या बातें, एक एक पात्र। अद्भुत। कल आएंगे आगे की बात करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।